हमास ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया है। इसराइल ने बोला कि अब हम हमास के ऊपर एक वॉर डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और उन्होंने की भी। आज की डेट में हमास बना कैसे, इसराइल कैसे बना, ये इशू सारा है क्या, इसको पूरे गहराई से समझने के लिए आपको इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि इस इलाके का इतिहास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके सामने ये इतिहास इतने सरल तरीके से पेश करूंगा कि आपको एक कहानी के रूप में ये चीज़ पूरी समझ भी आ जाएगी, और आप आज जो हुआ है हमास और इसराइल के बीच में इस हादसे को भी ढंग से समझ पाएंगे। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब यूरोप में स्टार्ट हुआ, तो उस समय यूरोप के जो देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह, इन सब देशों में एक नेशनलिज्म की वेव भी आई। तो जब जब ये कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज कर रही थी, उस समय इन सारे देशों में एक वेव ऑफ नेशनलिज्म चली, जिसमें कि ब्रिटिश जो लोग थे उनको अपनी ही धरती से लगाव होना शुरू हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ लोगों ने बोलना शुरू करा ब्रिटेन में कि भाई ब्रिटेन इज़ फॉर ब्रिटिश पीपल। इसकी एक लहर नेशनलिज्म की फ्रांस में देखने को मिली, कि जब फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रहा था, उस समय फ्रांस में भी ये बात बोली गई कि फ्रांस इज़ फॉर द फ्रेंच पीपल। जर्मनी 1870 से पहले टुकड़ों में छोटे छोटे बटा हुआ था, लेकिन 1870 में जब ओटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनिफाई किया, तो उसके बाद जर्मन जो थे वो भी बोलना शुरू कर बैठे कि भाई जर्मनी इज़ फॉर जर्मन पीपल। अच्छा, इस पूरे समय में जब दो ये ट्विन फोर्सेस यूरोप में चल रहे थे, जिसमें से एक था इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा था नेशनलिज्म, इस पूरे दौरान यूरोप में बहुत समय से लोग रहते थे जिनका नाम था यहूदी लोग, जो कि ज्यूज हैं। तो ये जो ज्यूइश पीपल थे, ज्यूइश लोग थे, ये बेसिकली यूरोप के विभिन्न प्रकार के सारे देशों में एक तरह से फैले हुए थे। और इन ज्यूज के बारे में दो चीज़ें हमें जानने की आवश्यकता है। पहली चीज़ ये है कि ऐतिहासिक तौर पर ज्यूज को हमेशा से प्रोसिक्यूट किया गया है, मारा गया है, काटा गया है, और इनको किसी भी देश में रहने की अनुमति कभी भी ऐतिहासिक तौर पर प्राचीन काल से लेकर आज तक कभी नहीं मिली। उसका सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि लोग ज्यूज से जलते हैं, बट उनकी जलन का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो ये यहूदी लोग हैं, ज्यूज हैं, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं, मेहनती लोग हैं। अपनी मेहनत से इन लोगों ने जहाँ पर भी इकट्ठे होकर रहने की कोशिश करी, उस इलाके में इन्होंने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हमेशा पाई। और जब जब ये छोटे छोटे ग्रुप्स में रह के इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस हो जाते थे, तो तब तब जो है उस इलाके के राजा से लेकर आगे जो साम्राज्य बनते रहे, चलते रहे, उन लोगों को हमेशा से यहूदियों से इसी चीज़ की इरिटेशन होती थी, और डर रहता था कि ये जो एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग संगठन, एक ग्रुप बन गया है ज्यूज का, कहीं ये हमारे को ओवरथ्रो ना कर दें। तो यहूदियों के खिलाफ जो एक इनसिक्योरिटी हमेशा से ऐतिहासिक तौर से रही है, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है बेसिकली उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और उनका खुद का हार्डवर्क, जो कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाके देता है। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी चल रहा था, तो उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को फाइनेंस करने वाले भी ज्यूज थे, जबकि ज्यूज जो थे यूरोप के दूसरे देशों में रहते हुए नागरिक थे। मतलब जो ब्रिटेन में रह रहे थे तो वो ब्रिटिश ज्यूज थे, जो फ्रांस में रह रहे थे वो फ्रेंच ज्यूज थे, इसी तरीके से जो जर्मनी में ज्यूज रह रहे थे वो जर्मन ज्यूज थे। इन सारे ज्यूज के पास यूरोप में भी बहुत सारा पैसा था, और ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को भी फाइनेंस कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब इन ज्यूज ने यूरोप में बैठकर ये मूवमेंट देखी कि भाई यहाँ पर एक नेशनलिज्म की एक वेव चल रही है, ब्रिटेन में ब्रिटिश बोल रहे हैं कि भाई ब्रिटेन हमारे लिए है, ब्रिटिश लोगों के लिए है, फ्रांस में बोल रहे हैं लोग कि फ्रांस जो है वो फ्रेंच लोगों के लिए है, जर्मनी में लोग बोल रहे हैं कि जर्मनी हमारे जर्मन लोगों के लिए है, तो उस समय इन ज्यूज ने बोला कि पिछले लगभग 2000 सालों से हम भी अपने एक नेशनल होम की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो आज तक कभी कोई नेशनल होम बना ही नहीं। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जब ये ज्यूज जो थे, इन्होंने यूरोप में इस नेशनलिज्म को होते हुए देखा, इस नेशनलिज्म से ये ज्यूज बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए, और इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म का जो ये ट्विन फोर्सेस चल रहे थे, उस दौरान इन ज्यूज ने भी शुरुआत कर दी ये बात बोलने की कि भाई हमारे को भी अपना एक नेशनल होम चाहिए। अच्छा, अब इनसे जब पूछा गया कि आपका नेशनल होम कहाँ है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा नेशनल होम है एक टेरिटरी में जिसका नाम है पैलेस्टीन। दोस्तों, पैलेस्टीन एक ऐसी टेरिटरी थी जो ओटोमन एम्पायर में थी। ओटोमन एम्पायर बेसिकली एक मुस्लिम टेरिटरी थी जो आज की डेट में वेस्ट एशिया में है। तो वेस्ट एशिया की एक बहुत ही बड़ी टेरिटरी उस समय ओटोमन टर्क्स के कंट्रोल में हुआ करती थी। उस ओटोमन टर्क्स के कंट्रोल में सिर्फ आज की डेट में ये पैलेस्टीन की टेरिटरी नहीं, बल्कि आज की डेट में तो मिडल ईस्ट में जितने भी हम देश देखते हैं, जैसे कि इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, लेबनन हो गया, एंड फॉर दैट मैटर ओटोमन एम्पायर में तो दोस्तों एक टाइम पर सऊदी अरेबिया के भी बहुत सारे हिस्से आते थे। इसी रीज़न से आप देखिए कि सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच के रिश्ते कभी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जब ओटोमन एम्पायर टूटा था तो उसके बाद टर्की बना था, और टर्की एक टाइम पे ऐसे थे वो लोग जिन्होंने मक्का मदीना पे भी कंट्रोल किया था, लेकिन 1932 में सऊदी अरेबिया बनने के बाद
ये कंट्रोल जो है जब सऊदी अरेबियंस के पास चला गया तो टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में एक परमानेंट फ्रिक्शन पॉइंट आ गया। खैर उसके बारे में कभी सेपरेट वीडियो में उस जियोपॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे। लेकिन पैलेस्टीन एक ऐसी टेरिटरी थी जो बेसिकली ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी और जहाँ पर उस समय ओटोमन टर्क्स यानी कि ओटोमन मुसलमान लोग रहते थे। अब ज्यूज जो यूरोप में बैठे थे इन्होंने इंस्पायर होके बोला कि हमारे को जो धरती चाहिए, हमारा जो नेशनल होम है वो है पैलेस्टीन। अब यूरोप में उस समय लोगों ने इनसे पूछा कि भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका जो नेशनल होम है वो पैलेस्टीन है, तो इन्होंने कहा कि भाई हमारा नेशनल होम पैलेस्टीन इसलिए है क्योंकि ये तो बाइबल में लिखा है। अब जब लोगों ने बाइबल खोल के देखा तो वहाँ पर ये बात लिखी भी है और ये बात सत्य है कि बाइबल में एक फ्रेज है जहाँ पर ये बात बोली भी गई है कि गॉड हैज़ प्रोमिस्ड द लैंड ऑफ पैलेस्टीन टू द ज्यूज, यानी कि ज्यूज जो हैं, यहूदी लोग जो हैं, वो आज की डेट में पैलेस्टीन को अपना एक प्रोमिस्ड लैंड मानते हैं क्योंकि बाइबल में इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है कि जो पैलेस्टीन है वो यहूदी लोगों के लिए, ज्यूज के लिए एक ऐसी टेरिटरी है जो उन्हीं की है। अच्छा, अब इस परिस्थिति में क्या हुआ कि ज्यूज ने बोला कि भाई पैलेस्टीन हमारे लिए प्रोमिस्ड लैंड है, इस प्रोमिस्ड लैंड पे तो हमें जाना होगा और वहाँ पर अपना नेशनल होम बनाना होगा। तो उस ट्विन फोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्लस नेशनलिज्म से इंस्पायर होते हुए ज्यूज ने अपनी ही एक मूवमेंट प्रकट करी और एक मूवमेंट बनाई और इस मूवमेंट को 1896 में बाजिल स्विट्जरलैंड में इसका गठन हुआ। 1896 में बाजिल स्विट्जरलैंड में क्या हुआ कि एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ज्यू थे जिनका नाम था थियोडर हर्जल। थियोडर हर्जल ने क्या बोला, उन्होंने ये बात बोली कि भाई हम अब क्या करेंगे कि हम एक मूवमेंट चलाएंगे। अब उस मूवमेंट को चलाने से पहले थियोडर हर्जल ने बाजिल स्विट्जरलैंड में एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने यूरोप में दूसरे देशों के, यूरोप के अंदर जितने भी देश थे उस समय जहां पर सारे ज्यूज रह रहे थे, उन सभी को बोला कि आप लोग आ जाइए और एक मीटिंग करेंगे। बाजिल में एक बहुत बड़ा संगठन का एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में थियोडर हर्जल ने एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाया। वो प्रोग्राम ये था कि थियोडर हर्जल ने बोला कि हम ज्यूज जो हैं हम अब अपने नेशनल होम को क्लेम करके रहेंगे। अगर हमारा नेशनल होम पैलेस्टीन है जो कि हमारी एक प्रॉमिस लैंड है और अगर ये पैलेस्टीन ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में है, इस टेरिटरी पे कब्जा अब हम करके रहेंगे। लेकिन हम कोई कब्जा इलीगली नहीं करेंगे, हम लीगल तरीके से कब्जा करेंगे और इस कब्जा करने के लिए हमें रिच यूरोपियन ज्यूज की मदद चाहिए। अब सारे रिच यूरोपियन ज्यूज जो उस समय उनका जमावड़ा हुआ था बाजिल स्विट्जरलैंड में, तो उस समय वहाँ पर मीटिंग में ये चर्चा हुई कि भाई ये कैसे होगा। तो थियोडर हर्जल ने एक प्लान बनाया, उसने प्लान ये बताया, उसने कहा कि भाई देखिए सबसे पहले क्या होगा कि जो रिच यूरोपियन ज्यूज हैं यानी कि जो यूरोप में रहने वाले अमीर ज्यूज हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, क्योंकि वैसे भी ज्यूज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो फाइनेंस कर ही रहे थे हर देश के, तो उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। तो थियोडर हर्जल ने बोला कि सबसे पहले जितने भी रिच यूरोपियन ज्यूज हैं ये सारे के सारे ज्यूज उठ के जाएंगे पैलेस्टीन। अब ये पैलेस्टीन में जाकर वहाँ पर जो पैलेस्टीनियन अरब्स रह रहे होंगे यानी कि वो पैलेस्टीनियन मुसलमान लोग जो रह रहे हैं वहाँ पर, जो उस जगह के अभी हकदार हैं, उनसे आप जाकर लैंड खरीदेंगे। आप लैंड खरीदने के बाद उस इलाके में लैंड को ऑक्यूपाई करके वहाँ रहना शुरू कर देंगे और धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे रिच यूरोपियन ज्यूज जाके पैलेस्टीन में सेटल होते रहेंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा कि पैलेस्टीन की बहुत सारी लैंड अरब्स बेच चुके होंगे ज्यूज को। और जब ये होगा तो उसके बाद जो यूरोप के अंदर गरीब वर्ग के ज्यूज रहते हैं, थोड़े बहुत गरीब वर्ग के भी थे जिनके पास बहुत सारा पैसा नहीं था लेकिन अभी भी लेबोरियस थे, हार्डवर्किंग थे, तो अब ये लेबोरियस हार्डवर्किंग ज्यूज इवेंचुअली वहाँ जाएंगे पैलेस्टीन में और रिच यूरोपियन ज्यूज जो हैं जिन्होंने सारे इलाके को खरीद लिया होगा, ये यूरोपियन ज्यूज जो पुअर वाले वर्ग के हैं इनको भी वहाँ रहने की पनाह देंगे। देखिए ये चीज़ हमें ज्यूज से भी सीखनी चाहिए कि ज्यूज में एक बहुत ही ज़्यादा एकता है, यूनिटी है। वहाँ पर गरीब, पिछड़ा, इस प्रकार की बातें जो हैं यहूदी लोग कभी नहीं करते, इसीलिए ज्यूज जो हैं वो वर्ल्ड वाइड एक रहते हैं, उनमें यूनिटी बहुत रहती है। और थियोडर हर्जल ने इसी रीज़न से एक मूवमेंट का गठन किया और जो मूवमेंट का गठन हुआ 1896 में बाजल में, उस मूवमेंट का नाम रखा गया जायोनिज्म। जायोनिज्म जो है ये बेसिकली आता है जायोन से, जायोन, ZION। जायोनिज्म का मतलब है कमिंग फ्रॉम द वर्ड जायोन। जायोन जो है एक टेंपल माउंट है और ये टेंपल माउंट जो है एक सेक्रेड टेंपल है। ये बेसिकली पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक मंदिर है, आप लगा लीजिए इस प्रकार से, कि इसको क्लेम करते हैं ज्यूज। अब हुआ क्या कि इस टेंपल माउंट को क्लेम करने के लिए ज्यूज ने बोला कि हम जो मूवमेंट चलाएंगे वो चलाएंगे जायोनिज्म।
अच्छा अब ये जो टेम्पल माउंट है ये है कहाँ, ये है भी पैलेस्टीन में। तो इन्होंने बोला कि भाई वो इलाका, वो पहाड़ी का इलाका जो बाइबल में लिखा है कि माउंट जायन हमारा है, वो पहाड़ी का इलाका जिस इलाके पे ये बात लिखी है कि भाई ये इलाका हमें ही दिया जाएगा यहूदी लोगों को, हम उस इलाके को जाके ऑक्यूपाई करेंगे और उस इलाके के इर्द गिर्द के इलाकों को ऑक्यूपाई करेंगे। तो ज़ायोनिज़्म नामक एक पॉलिटिकल मूवमेंट का गठन हुआ 1896 में। इसके गठन होने के बाद से यूरोपियन ज्यूज़ जो हैं वो बेसिकली चले गए बहुत सारी मात्रा में उठ उठ के पैलेस्टीन। जैसे जैसे रिच यूरोपियन ज्यूज़ जाते गए वहाँ पर उन्होंने लैंड खरीदना शुरू कर दिया। अरब्स अपनी लैंड बेच के वहीं पर या तो चले जाते थे, किसी दूसरे इलाके में सेटल हो जाते थे। और इस तरीके से 1896 से लेके 1913 जब तक वर्ल्ड वॉर वन यानी कि विश्व युद्ध पहला जब तक स्टार्ट नहीं हुआ तब तक ये यहूदी लोग बहुत भारी मात्रा में भर भर के पैलेस्टीन आए और इन्होंने बहुत सारी जगह खरीदी, बहुत सारा लैंड खरीदा। अच्छा अब जब 1913 में विश्व युद्ध एक स्टार्ट हुआ, उस विश्व युद्ध एक के दौरान एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई कि उस समय ब्रिटेन फ्रांस एक तरफ लड़ रहे थे और उनके खिलाफ जो दूसरा ओपोनेंट था उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण प्लेयर था जिसका नाम जर्मनी था, और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्लेयर था उसका नाम था ओटोमन एम्पायर। खैर हम विश्व युद्ध एक का इतिहास इस वीडियो में नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ कहने की कोशिश दो चीज़ों की कर रहे हैं। पहला कि भाई ब्रिटेन और फ्रांस विश्व युद्ध वन में एक साथ थे, और दूसरा ब्रिटेन और फ्रांस विश्व युद्ध वन जो है, विश्व युद्ध पहला जो है उसमें ओटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे थे। अच्छा अब ब्रिटेन और फ्रांस के लिए ओटोमन एम्पायर बड़ा महत्वपूर्ण भी था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि अगर हम ब्रिटेन और फ्रांस की चर्चा करें तो मैंने जैसे आपको भी बताया कि भाई वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो चल ही रहा था, लेकिन उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अगर चलाने के लिए पैसा यहूदी लोग लगा रहे थे तो ये मत भूलिएगा कि इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलाने के लिए जो तेल चाहिए था, जो ऑयल रिक्वायर्ड था, ये सारा ऑयल ओटोमन एम्पायर से आ रहा था। अब ब्रिटेन और फ्रांस इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते थे, उनको ये बात मालूम थी कि भाई अगर ओटोमन एम्पायर विश्व युद्ध एक में हमारे खिलाफ लड़ रहा है तो एक चीज़ तय है कि ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसके पास तेल है और इस टेरिटरी के तेल के प्रयोग से हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है। यदि विश्व युद्ध वन में अगर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से हम ओटोमन एम्पायर को हराने में नाकाम रहे तो ब्रिटेन और फ्रांस को ये चीज़ समझ आ गई कि भैया ओटोमन एम्पायर तो छोड़िए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होगी कि अगर विश्व युद्ध एक में हम लोग हार गए तो सारा का सारा तेल जो जर्मनी है वो ले जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कि ब्रिटेन और फ्रांस एक जगह थे, ओटोमन एम्पायर और जर्मनी एक जगह लड़ रहे थे, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। अब ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी से बड़े इनसिक्योर थे, वो नहीं चाहते थे कि जर्मनी किसी रीजन से जीते, तो वो जर्मनी को हराने के चक्कर में ये भी इंश्योर करना चाहते थे कि जो ओटोमन एम्पायर का तेल है, जो तेल लेके आज की डेट में वो अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो तेल केवल उन्हीं के पास रहे, और यदि ये तेल उन्हीं के पास रहेगा तो उससे उन्हीं का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा और जर्मनी का नहीं होगा। तो विश्व युद्ध एक में ब्रिटेन और फ्रांस की प्रायोरिटीज बहुत क्लियर थी। पहली प्रायोरिटी थी कि जर्मनी को हराना है, लेकिन जर्मनी को हराने से ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी थी कि ओटोमन एम्पायर को हराना है। इस ओटोमन एम्पायर को हराने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अगर ओटोमन एम्पायर हारा तो ओटोमन एम्पायर का सारा तेल ब्रिटेन और फ्रांस ले जाएंगे, और इस तेल को ले जाने के बाद जर्मनी के पास कोई तेल नहीं बचेगा, तो जर्मनी एक इंडस्ट्रियल पावर बन के हमारे सामने खतरा नहीं बन पाएगा और जर्मनी को एक सबक मिल जाएगा। इसी सबक के कारण भूलिए मत कि हिटलर का राइज भी जर्मनी में इन्हीं कारणों की वजह से हुआ। खैर फिर वही चीज़ कि वो विश्व युद्ध एक के इतिहास की बात है, कभी बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन 1913 में जब विश्व युद्ध एक स्टार्ट हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस जैसा कि मैंने बोला अपने माइंड में प्रायोरिटी बिल्कुल क्लियर स्पष्ट तरीके से लेके निकले। जैसे ही वो लोग क्लियर स्पष्ट तरीके से अपनी प्रायोरिटीज़ को लेके निकले, उस समय क्या हुआ, उस समय बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये हुई कि बेसिकली 1915-16 तक जब विश्व युद्ध एक चल ही रहा था उस दौरान ब्रिटेन और फ्रांस को एक चीज़ समझ आ गई कि जो लड़ाई की डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो इसी दिशा में जा रही है कि ओटोमन एम्पायर और जर्मनी दोनों हारेंगे। 1916 तक लगभग अगर हम और स्पष्ट तरीके से बोलें तो ब्रिटेन और फ्रांस इस चीज़ के बारे में अब कंफर्म हो चुके थे कि जर्मनी और ओटोमन एम्पायर तो विश्व युद्ध एक हारने ही जा रहे हैं। अब इस दौरान ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेटली 1916 में एक अग्रीमेंट साइन किया, और इस अग्रीमेंट के तहत उन्होंने एक निर्णय लिया
इस अग्रीमेंट का नाम था साइक्स पिकट अग्रीमेंट, और ये साइक्स पिकट अग्रीमेंट के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने ये निर्णय लिया कि जब भी विश्व युद्ध एक खत्म होगा, क्योंकि ये युद्ध हम ही जीतने जा रहे हैं और क्योंकि इस युद्ध में ओटोमन एम्पायर की हार होगी, तो विश्व युद्ध एक के खत्म होने के बाद, विश्व युद्ध एक के खत्म होने के बाद हम ओटोमन एम्पायर एक दूसरे के बीच में आपस में बांट लेंगे। आप सोच के देखिए, 1916 विश्व युद्ध एक चल रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस को भनक लग चुकी है कि विश्व युद्ध एक जब भी खत्म होगा हमारे फेवर में खत्म होगा, ओटोमन एम्पायर हारेगा। इसी रीजन से ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में एक सीक्रेट अग्रीमेंट, साइक्स पिकट अग्रीमेंट साइन कर लिया, और इस साइक्स पिकट अग्रीमेंट को साइन करने के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने यह निर्णय ले लिया कि विश्व युद्ध एक के खत्म होने के बाद इस पूरे ओटोमन एम्पायर को अपन लोग आपस में ही बांट लेंगे, और उन्होंने वो टेरिटोरियल बांटने का काम भी पहले ही करके साइक्स पिकट अग्रीमेंट में रख लिया छुपा के। उन्होंने कहा कि अब इस अग्रीमेंट को रख देते हैं, छुपा के साइन करके रख दिया, विश्व युद्ध एक जब खत्म होगा उसके बाद इसको निकालेंगे और फिर देखेंगे उस समय की क्या परिस्थितियां हैं और इसको कैसे प्लेस करके जो है एक नैरेटिव और एक स्टोरी बनाएंगे। वही चीज हुई, 1918 में विश्व युद्ध एक खत्म हुआ। विश्व युद्ध एक खत्म होने के बाद एक ग्लोबल लेवल की संस्था बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। अब जब लीग ऑफ नेशंस का गठन हुआ उस दौरान, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस जो थे विश्व युद्ध एक जीत चुके थे, उस समय ब्रिटेन और फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस में जाकर एक प्रपोजल दिया। उन्होंने, ब्रिटेन और फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस में जाकर एक बात ये बोली, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो ओटोमन एम्पायर है ये विश्व युद्ध एक हार चुका है। अब लीग ऑफ नेशन में दूसरे देश बैठे थे, भारत भी एक देश था उस समय जो कि ब्रिटिश के कॉलोनियल रूल में था, लेकिन हमारी प्रेजेंस भी थी लीग ऑफ नेशन में उस समय, हम भी वहां बैठे थे। अच्छा, ब्रिटेन और फ्रांस ने गेम देखिए क्या खेला, उन्होंने सबसे पहले जाकर ये बात बोली कि भाई ओटोमन एम्पायर जो है विश्व युद्ध एक हार गया है, इस टेरिटरी के पास बहुत सारा तेल है, इसको हारने के बाद अब ये चीज की समझ नहीं है कि ये तेल का कंट्रोल कैसे करेगा। तो इसी कारण से जो विक्टोरियस पावर है वर्ल्ड वॉर वन के, जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस हैं, वो आज की डेट में गाइड करेंगे और सपोर्ट करेंगे ओटोमन एम्पायर को। और इसको कंसेप्चुलाइज करने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने लीग ऑफ नेशंस में एक प्रपोजल दिया और उस प्रपोजल का नाम रखा कि ये सिस्टम जो होगा जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस गाइडेंस एंड सपोर्ट देंगे ओटोमन एम्पायर को, हारी हुई टेरिटरी को वर्ल्ड वॉर वन की, उसका नाम रखा गया मैंडेट सिस्टम। अब आप सोचेंगे कि भाई ब्रिटेन और फ्रांस यदि जब वर्ल्ड वॉर वन जीत चुके थे तो उस समय 1919 में ये लोग ओटोमन एम्पायर को कॉलोनाइज क्यों नहीं कर बैठे? अगर आफ्टर ऑल इनको तेल ही चाहिए था तो इसको कॉलोनी बना लेते। उस समय तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे विश्व स्तर पर बहुत सारी कॉलोनीज बना रखी थी, लेकिन नहीं। 1919 का समय आप याद कीजिए दोस्तों, वो समय भी ऐसा था कि जब पूरे विश्व स्तर पर ब्रिटेन और फ्रांस की जितनी भी कॉलोनीज थी उन कॉलोनीज में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स चल रहे थे, और ब्रिटेन और फ्रांस इतने शातिर लोग थे कि वो ये बात जानते थे कि अगर हमने, ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर ओटोमन एम्पायर को कॉलोनाइज करने की कोशिश करी तो एक मास लेवल रेजिस्टेंस होगा, और इस मास लेवल रेजिस्टेंस से कहीं ये ना हो कि ग्लोबल एकता आ जाए सारे कॉलोनीज में और हमको मार बकाया जाए। इस कारण से इन शातिर ब्रिटेन और फ्रेंच ने 1919 में लीग ऑफ नेशन में एक मैंडेट सिस्टम नामक एक चीज प्रपोज करी, और इस मैंडेट सिस्टम के तहत उन्होंने ये बात बोली कि ओटोमन एम्पायर विश्व युद्ध एक हार चुका है, इसको गाइडेंस और सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसके पास एक बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व है और इसको मालूम नहीं है कि ये इस ऑयल का प्रयोग कैसे करेगा, क्योंकि अब ये हार भी गया है विश्व युद्ध एक, तो अब ये बौखला भी गया देश, तो इस बौखलाहट में कहीं ऐसा ना हो कि ये तेल का दुरुपयोग करे, तो उसके लिए एक सही दिशा दिखाने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस इसको गाइडेंस एंड सपोर्ट देंगे। अब लीग ऑफ नेशन में ये दोनों विक्टोरियस पावर थे, इनको कोई अपोज कर नहीं सकता था, तो जाहिर सी बात है कि इनको कोई अगर अपोज नहीं करेगा तो इन्होंने जैसे ही इस चीज़ का प्लेसमेंट किया, इस कॉन्सेप्ट का, इनको सहमति मिल गई। अब सवाल ये था कि ब्रिटेन और फ्रांस गाइडेंस एंड सपोर्ट ओटोमन एम्पायर को कैसे देंगे, तो इस ओटोमन एम्पायर को गाइडेंस एंड सपोर्ट देने के लिए
ब्रिटेन और फ्रांस ने 1919 में निकाला वो अग्रीमेंट, साइक्स पिकट अग्रीमेंट, जो 1916 में ये लोग सीक्रेटली साइन कर बैठे थे। और उस अग्रीमेंट के तहत इन्होंने बोला कि भैया ओटोमन एम्पायर, क्योंकि बहुत बड़ी टेरिटरी है, इस टेरिटरी को यदि गाइडेंस एंड सपोर्ट ब्रिटेन और फ्रांस को अगर करना है तो उसके लिए हम दोनों को ये टेरिटरी आपस में एक दूसरे के बीच में बांटनी पड़ेगी। तो एक लाचारियत के तरीके से इन्होंने ऐसा अपना शक्ल बना के वहाँ पर पेश की कि भैया हम तो लाचार हैं, हमें इस टेरिटरी को मजबूरन बांटना पड़ेगा, तभी हम इसको एक राइट तरीके से गाइडेंस एंड सपोर्ट दे पाएंगे। 1919 में इन्होंने उस गाइडेंस एंड सपोर्ट के नाम पर, मैंडेट सिस्टम के नाम पर, साइक्स पिकट अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया और पूरी की पूरी ओटोमन टेरिटरी को, जो ओटोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, उसको इन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। फ्रांस ने सीरिया और लेबनन का टुकड़ा जो ओटोमन एम्पायर के अंदर था उसको ले लिया, तो सीरिया और लेबनन नए देश बन गए जो कि पहले ओटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने, ब्रिटेन ने बोला कि भाई ट्रांस जॉर्डन, जिसको आज की डेट में हम जॉर्डन के नाम से जानते हैं, पैलेस्टीन, ट्रांस जॉर्डन, पैलेस्टीन और इराक, इसको बेसिकली हम लेंगे। तो ब्रिटेन ने बोला कि भाई ट्रांस जॉर्डन, पैलेस्टीन और इराक हमारा हुआ, सीरिया और लेबनन फ्रांस का हुआ। इसी रीजन से आप देखिए कि सीरिया और लेबनन दो ऐसे देश हैं जहां पर आज की डेट में भी एक बड़ी मात्रा की क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, और इस क्रिश्चियन पॉपुलेशन के होने के कारण ही सीरिया और लेबनन में फ्रांस का इंटरफेरेंस आज तक रहता है। खैर, उसके बारे में चर्चा फिर कभी। लेकिन अब आप ये चीज़ को समझ गए कि पांच हिस्सों में बेसिकली ओटोमन एम्पायर की टेरिटरी को तोड़ दिया गया, पर इन पांच हिस्सों में से सबसे महत्वपूर्ण टेरिटरी जो हमारे काम को समझने के लिए आज के वीडियो की है, वो है पैलेस्टीन। पैलेस्टीन एक ऐसी टेरिटरी थी जो ओटोमन एम्पायर का हिस्सा था। 1896 से पैलेस्टीन में जो है यहूदी लोग, ज्यूज जो है, वो घुस घुस के आ रहे थे ज़ायोनिज्म के नाम पर। और पैलेस्टीन अब 1919 में मैंडेट सिस्टम के तहत ब्रिटिश का एक मैंडेट बन चुका था, यानी कि ब्रिटिश जो है पैलेस्टीन की एक मैंडेटरी पावर थी। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम उसको मैंडेटरी पावर कहते हैं, वो पावर जो एक मैंडेट को कंट्रोल कर रही है, यानी कि पैलेस्टीन के मैंडेट को कंट्रोल करने वाली पावर थी ब्रिटिश। तो अगर पैलेस्टीन ब्रिटिश का मैंडेट है तो ब्रिटिश पैलेस्टीन में मैंडेटरी पावर है। अब हुआ क्या कि 1920 में पैलेस्टीन में जो मुस्लिम्स रहते थे उनको हम कहते थे पैलेस्टीनियन अरब्स या पैलेस्टीनियन ओटोमन्स या पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स। अब ये जो पैलेस्टीनियन अरब्स थे, जब इन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिश जो है हमारा मैंडेटरी पावर बन गया है, तो इन्होंने जाके ब्रिटिश को बोला, इन्होंने ब्रिटिश को कहा कि भाई आप देखिए कि पैलेस्टीन में चल क्या रहा है। ब्रिटिश ने कहा कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, फॉग चल रहा है, ये है कि भाई देखिए कि यहाँ पर ये जो ज्यूज हैं, यहूदी लोग हैं, ये भारी मात्रा में आ रहे हैं और ये यहाँ पर हमारी ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ब्रिटिश ने अरब्स को पूछा, उन मुसलमानों को पूछा कि भाई अगर वो आ रहे हैं और ज़मीन खरीद रहे हैं तो तुम ज़मीन बेच क्यों रहे हो, तुम मूर्ख हो। अब पैलेस्टीनियन अरब्स को तो समझ नहीं आई कि भाई ये बात तो सही है, मतलब जो ब्रिटिश बोल रहे हैं इसमें कुछ गलत तो नहीं है, मूर्ख तो है ही है कि जमीन तो खुद ही बेच रहे थे, कोई ब्रिटिश तो आगे बेच नहीं रही थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अब आप मैंडेटरी पावर हैं, आप इन ज्यूज की एंट्री को रोकिए। अब ब्रिटिश बड़े डिलेमा में आ गए। ब्रिटिश ये बात जानते थे, वो ये बात देख रहे थे कि भाई ये जो यहूदी लोग हैं ये यूरोप के देशों को छोड़ छोड़ के पैलेस्टीन में अपना नेशनल होम बसाने आ रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश उस समय अब समझ चुके थे कि भाई अरब्स भी यहां पर जो है नाराज हो गए। और 1919-1920 का समय दोस्तों ऐसा है कि जब भारत में गांधी यहाँ पर था तो उसने उस समय एक खिलाफत मूवमेंट भी चलाई थी, उसके तहत इंडिया की जो नेशनल स्ट्रगल थी और अरब्स जो थे उनके बीच में एक सॉलिडेरिटी और सपोर्ट दिखाया जा रहा था। ब्रिटिश को ये लग रहा था कि यदि हमने अरब्स की बात को इग्नोर कर दिया, अभी ये जो अभी मुसलमान आके हमारे को यहूदियों के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं, अगर इनको हमने इग्नोर कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया जो है इन अरब्स के सिंपथी सपोर्ट में एक ग्लोबल एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल बना ले। तो हम अरब्स को जो है, मुसलमान जो आ रहे हैं हमारे से यहाँ पर, मांग रहे हैं कि भाई ऐसी चीज़ को ना करें कि भाई यहूदियों को अनलिमिटेड तरीके से यहाँ सेटल ना होने दें, अगर हमने कुछ ना किया तो
तो हमारे लिए समस्या हो सकती है और हमें इस इलाके से तेल चाहिए पूरे के भैया। हमने तो ब्रिटेन और फ्रांस ने पूरे ओटोमन एम्पायर को बांटा तो इसीलिए। अब ब्रिटेन ने पूछा इन पैलेस्टीन के अरब से कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तो पैलेस्टीनियन अरब ने बोला कि आप जो है इसको बोलिए यहूदी लोगों को कि ये यहाँ पर ना आए। अब ब्रिटेन जो था उस समय डिलेमा में आ गया, उसको लगा कि यार यहूदी लोगों को मना तो नहीं कर सकते क्योंकि ये यहूदी लोग तो हैं भी वही जिनसे हम लोग पैसा लेके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कर रहे हैं, अगर इन्हीं को मना कर दिए तो भैया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पैसा कहाँ से आएगा, और अरब जो हैं इनको अपसेट अगर कर दिए और इनको अगर हमने कुछ तंग कर दिया तो तेल कहाँ से आएगा। अब ऐसी अजीब सी परिस्थिति में फंस गए। तो ब्रिटिश जो थे अंग्रेजी भाषा के क्योंकि मास्टर थे तो उन्होंने क्या बोला कि हम पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज की एंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने जा रहे हैं। अब जब ये बात ब्रिटिश ने बोली तो अरब एकदम खुश हो गए, ऊंट पे बैठ के घूमने लग गए, पागल तो थे। उनको लगा कि देखो ब्रिटिश ने बोला कि भाई वो पैलेस्टीन के अंदर ज्यूज की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अब ज्यूज ने जब ये बात सुनी तो ज्यूज ने जाकर ब्रिटिश से पूछा कि भाई क्या समस्या है आपको, क्या तकलीफ है आपको, तो आप हमारी एंट्री हमारे नेशनल होम में क्यों रोक रहे हैं। तो उस समय ब्रिटिश ने ज्यूज को बोला कि भाई सुनिए, हमने जो शब्द का प्रयोग किया है वो है रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आप पैलेस्टीन आ सकते हैं लेकिन आपकी एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर आप पैलेस्टीन आ रहे हैं और अगर आपकी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एंट्री प्रोहिबिटेड है। आपको ये फ़र्क समझना है शब्दों का। ये चीज़ अरब को समझ नहीं आती है, उनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो ऐसे ही है। हम कह रहे हैं कि हमने ज्यूज की एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन लगाया है, प्रोहिबिशन नहीं लगाया है, यानी कि अब आप पैलेस्टीन आइए लेकिन लीगली एक लिमिटेड नंबर में आइए। तो ज्यूज बोले कि नहीं वो सब तो ठीक है लेकिन हम लिमिटेड नंबर में क्यों आए, अगर हमारे पास पैसा है हम तो जितने मर्जी नंबर में आए, हमारा इलाका हम ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो उस समय ब्रिटिश ने बोला कि देखो आप एक लिमिटेड नंबर में लीगली आओ उसका मतलब ये नहीं है कि आप इलीगली किसी भी नंबर में फिलिस्तीन में नहीं आ सकते। हम आपको कह रहे हैं कि लीगली लिमिटेड नंबर में आओ लेकिन इलीगली भी आप जितने मर्जी नंबर में आओ, हमें क्या लेना देना। तो ज्यूज ने बोला कि ये कैसे होगा। उन्होंने कहा कि भाई सुनो, पैलेस्टीन का एक इलाका नेबरिंग है सीरिया, वो किसके पास है, वो है हमारे दोस्त फ्रेंच के पास। हम उसको बोल देंगे कि भैया तुम जो है ज्यूज को वहां से इलीगली आने दो, वो आने देगा तुम्हें। पैलेस्टीन के बगल में दूसरा इलाका कौन सा है, ट्रांस जॉर्डन। ब्रिटिश बोले वो तो हमारे पास है, वहां से तुम लोग जितना मर्जी इलीगली आओ, हम नहीं रोकेंगे। और नीचे सदर्न पार्ट में पैलेस्टीन के नीचे जो इलाका था वो था इजिप्ट, तीसरा बॉर्डर। ब्रिटिश बोले इजिप्ट तो भैया हमारा कॉलोनी है, वो तो हमारे कॉलोनियल रूल में है, तो वहां से तो तुम जितना मर्जी नंबर में आओ। तो ज्यूज को ठंडा किया गया ये बात बोल के 1920 ऑनवर्ड्स की आप पैलेस्टीन में लीगली लिमिटेड नंबर से आइए, इलीगली अनलिमिटेड नंबर से आइए। और यही हुआ 1920 से लेके 1940 तक। 1939 में विश्व युद्ध टू स्टार्ट होता है। 1939 के वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्ट होने से पहले तक ज्यूज जो है लीगली और इलीगली दोनों भारी मात्रा में भर भर के पैलेस्टीन आते गए। जब ज्यूज पैलेस्टीन आते गए, अरब और ज्यूज के बीच में लड़ाई चलती गई, मार काट होती गई, बहुत लड़ाई हुई, बहुत ब्लडशेड हुआ, बहुत वायलेंस हुआ। ब्रिटिश हर एक वायलेंस को रोकने में नाकाम रही। लेकिन जो 1930 का दशक था, इस 1930 के दशक में जर्मनी में ज्यूज के ऊपर आक्रमण होने चालू हुए और इवेंचुअली 1940 के दशक तक तो होलोकॉस्ट भी हुआ। तो 1930 और 40 का जो ये पूरा पीरियड था जिसमें जर्मनी में बहुत सारे ज्यूज भारी मात्रा में मारे गए, तो जो ज्यूज यूरोप में बचे कुचे भी थे, जो अभी तक सोच रहे थे कि नहीं ठीक है पैलेस्टीन जिसको जाना है जाए, हम तो यूरोप में वेल सेटल्ड हैं, हमको क्या करना, जर्मनी की वो कंडीशन देख के ये लोग भी भाग भाग के अब पैलेस्टीन आने लग गए। कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि
विश्व युद्ध दो के स्टार्ट होने से पहले 1939 में परिस्थिति ऐसी थी कि उस समय ज्यूज और अरब्स जो पैलेस्टीन में रह रहे थे, मुसलमान लोग जो पैलेस्टीन में रह रहे थे, उनके बीच में भरपूर मात्रा से वायलेंस हो रहा था। इस वायलेंस को रोकने में ब्रिटिश नाकाम थे, लेकिन विश्व युद्ध दो हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ। 1945 में इसके ख़त्म होने के बाद जब लीग ऑफ नेशंस को रिप्लेस किया गया एक नया संगठन बना के, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस, तो 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस का गठन हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन ने जाके बोला कि भैया ये जो मैंडेट सिस्टम है ये हमसे ना संभल रहा है, और हमारा जो ये मैंडेट है पैलेस्टीन, इसका अब संयुक्त राष्ट्र ही कुछ करे, हमसे कुछ नहीं संभल पा रहे हैं आप। तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र के बनने के बाद 1946 में एक डिस्कशन हुई, और 1946 में इस डिस्कशन के बाद एक निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश जो है अपना मैंडेट पैलेस्टीन का जो है ये देगी यूनाइटेड नेशंस को। इन्होंने सारा कागजात पे कार्यक्रम पूरा किया। 1947 में ब्रिटिश ने पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशंस को, संयुक्त राष्ट्र को हैंडओवर कर दिया। जैसे ही पैलेस्टीन को संयुक्त राष्ट्र को हैंडओवर किया, यूनाइटेड नेशंस को हैंडओवर किया, उस समय ब्रिटिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैलेस्टीन में ख़त्म हो गई। और उस समय पैलेस्टीन के हालात ये थे कि ज्यूज बहुत भारी मात्रा में आ चुके थे, पैलेस्टीनियन अरब्स जो वहाँ रह रहे थे उनकी ज्यूज के साथ मारकाट और लड़ाइयाँ हो रही थी, और पूरे पैलेस्टीन में भरपूर मात्रा से ब्लडशेड हो रहा था। लेकिन अब 1947 में पैलेस्टीन जब यूनाइटेड नेशंस को दिया गया, तो उस समय पैलेस्टीन जो है एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम बन चुका था, और अब पैलेस्टीन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने, संयुक्त राष्ट्र ने एक कमीशन बिठाया, और 1947 में इस कमीशन को बिठाया जिसका नाम रखा गया यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन। अब ये जो यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन थी, इसमें 11 मेंबर थे, इसमें इंडिया भी एक मेंबर था, हमें भी बुलाया। अब यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन को, 11 मेंबर्स को जिसमें इंडिया भी एक था, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। उसको ये बात बोली गई कि आप पैलेस्टीन के मसले को हल नहीं करेंगे, लेकिन इस मसले का हल क्या होगा उसके ऊपर डिस्कशन करके प्रपोजल तैयार करेंगे, क्योंकि पैलेस्टीन एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इस इंटरनेशनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में होगा। यूनाइटेड नेशंस एक वर्ल्ड की असेंबली है, यूनाइटेड नेशंस एक ऐसा बॉडी है जिसमें वर्ल्ड के सारे देश उस समय रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ब्रिटिश जब हैंडओवर करके चले गए पैलेस्टीन को यूनाइटेड नेशंस को, तो यूनाइटेड नेशंस ने स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप प्रपोजल तैयार कीजिए कि पैलेस्टीन का क्या किया जा सकता है। अब ये 11 मेंबर बैठ गए चर्चा करने। अब चर्चा के दौरान दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हुआ। पहला प्रपोजल तो ये आया कि भाई कई मेंबर्स थे उस 11 मेंबर की बॉडी में जिन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अब हमें रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और रियलिटी ये है कि पैलेस्टीन में बहुत सारे अरब्स रहते ही हैं, ये उन्हीं के पास इलाका था ही था हमेशा से, लेकिन अब इस इलाके में बहुत सारे ज्यूज भी आ चुके हैं, और ये ज्यूज यूरोप से आए हैं, यूरोप के अलग अलग देशों से आए हैं। तो इस रीज़न से एक थॉट प्रोसेस उस डिस्कशन के दौरान ये निकला कि पैलेस्टीन को पार्टीशन करके बंटवारा कर देना चाहिए ज्यूज के बीच में और अरब्स के बीच में, ताकि दोनों कम्युनिटीज़ को, मुसलमानों को भी और यहूदियों को भी, यानी कि पैलेस्टीनियन अरब्स एंड ज्यूज को भी, दोनों को थोड़ी थोड़ी टेरिटरी पैलेस्टीन की मिल जाए और दोनों खुश होने। लेकिन उसी दौरान इन्हीं 11 मेंबर्स के बीच में चंद देश ऐसे भी थे, चंद मेंबर्स ऐसे भी थे जिसमें इंडिया भी एक था, और इंडिया का और उन देशों का पक्ष ये था कि भाई पैलेस्टीन का पार्टीशन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैलेस्टीन मुसलमानों का इलाका है, ओटोमन अरब्स इस इलाके पे कंट्रोल और रूल करा करते थे, यहूदी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे को ये प्रॉमिस्ड लैंड है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक जायोन है, जायोन मतलब कि एक टेंपल है
जो कि एक माउंटेन के ऊपर है, और यदि अगर ऐसी परिस्थिति है तो ज्यूज को इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर पैलेस्टीन में वर्शिप करने के राइट्स दे दिए जाएं, लेकिन इनको रेजिडेंशियल राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो बेसिकली कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि जो दूसरा ग्रुप था वो पार्टीशन के खिलाफ था, उसने कहा कि भाई पैलेस्टीन को बंटवारा करने से कुछ नहीं होगा, पार्टीशन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैलेस्टीन एक ऐसी टेरिटरी है जिसका कंट्रोल हमेशा से मुसलमानों के पास रहा है, और यहूदी लोग अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो केवल रिलीजियस रीजन से आ रहे हैं, वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं, तो उनको वर्शिपिंग राइट्स ही दिए जाएं, जायोन का राइट दिया जाए, टेंपल माउंट का राइट दिया जाए, पर रहने का मकसद क्या है? आपको टेरिटरी का बंटवारा करने की क्या आवश्यकता है? अब जब ये दोनों प्रपोजल बने हैं तो नवंबर में 1947 में यूनाइटेड नेशंस स्पेशल कमीशन ऑन पैलेस्टीन ने इन दोनों के दोनों प्रपोजल्स को, जिसमें से एक प्रपोजल था जिसको हम बोलते हैं कि पार्टीशन करे जाए पैलेस्टीन का, और दूसरा प्रपोजल था कि पार्टीशन ना किया जाए और एक यूनिफाइड पैलेस्टीन मेंटेन किया जाए, इन दोनों के दोनों प्रपोजल्स को यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया गया। अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर उस समय 1947 नवंबर में जितने देश बैठे थे उन सभी को बोला कि भैया पैलेस्टीन हमारे सामने एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम आई है, इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए दो प्रपोजल बनाए गए हैं, इन दोनों प्रपोजल पे वोट कर दीजिए, जिस भी प्रपोजल को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसके बेसिस पर यह निर्णय लिया जाएगा कि विश्व के सारे देश इस प्रपोजल को बेहतर मानते हैं। तो नवंबर में 1947 में वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस। जब ये वोटिंग हुई तो उस समय उस प्लान को जिसमें ये प्रपोजल था कि भाई पैलेस्टीन का पार्टीशन करके यहूदियों को भी थोड़ा सा पैलेस्टीन दे दिया जाए और जो आपके अरब्स हैं उनको भी थोड़ा सा पैलेस्टीन दे दिया जाए, इस प्रपोजल को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले। जाहिर सी बात है आपको दो चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी कि पहली बात, इंडिया जो वो 11 मेंबर्स के बीच बैठा था तो उसने यूनिफाइड पैलेस्टीन के फेवर में हमेशा से बात की थी, और दूसरी बात कि जब यूएन में वोट भी पड़ा था तो इंडिया का वोट पार्टीशन के फेवर में नहीं था बल्कि यूनिफाइड पैलेस्टीन के फेवर में ही था। लेकिन नवंबर 1947 में रिजल्ट ये निकला कि जो हुआ वो ये था कि पैलेस्टीन का पार्टीशन किया जाएगा, पैलेस्टीन को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक हिस्सा होगा ज्यूइश पैलेस्टीन यहूदियों का पैलेस्टीन, एक हिस्सा होगा अरब्स का पैलेस्टीन मुसलमानों का पैलेस्टीन। अब विश्व युद्ध दो ख़त्म हो चुका था, उस समय यूएस एक बड़ा महत्वपूर्ण पावर बन चुका था, उस दौरान ये चीज़ तय हुई कि यूएस इस चीज़ को देख के बड़ा खुश हुआ कि भाई यहूदी लोगों को एक अपनी टेरिटरी मिल रही है, क्योंकि भूलिए मत अगर ब्रिटेन और फ्रांस के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइनेंस करने के लिए उस समय यहूदी लोग थे तो अमेरिका के भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फाइनेंस करने वाले भी यही ज्यूज़ और यहूदी लोग थे। तो इन्हीं यहूदियों ने अमेरिका में भी अपनी पकड़ बहुत अच्छी बना रखी थी। जब यूनाइटेड नेशंस में ये निर्णय ले लिया गया कि पैलेस्टीन का पार्टीशन होगा और ये चीज़ अब तय है, उस समय अमेरिका ने इन यहूदियों का सपोर्ट करते हुए 1948 के मई के महीने में इन यहूदियों को सपोर्ट करते हुए बोला कि हम आपकी टेरिटरी को बनाने में मदद करेंगे। लेकिन 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने एक चीज़ बोली, यूनाइटेड नेशन ने ये बोला कि देखो पार्टीशन पैलेस्टीन का तो होगा, लेकिन अगर हम पैलेस्टीन के इलाके को देखें तो इस इलाके में दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि इस पैलेस्टीन के इलाके में एक टेरिटरी है, एक पट्टी है जिसका नाम है गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी। ये जो गाजा स्ट्रिप है ये बेसिकली इजिप्ट की थी। ये टेरिटरी जो गाजा स्ट्रिप की है ओरिजिनली देखा जाए तो वो इजिप्ट के पास थी, लेकिन वो सटी हुई थी एकदम पैलेस्टीन के, और वहाँ पर गाजा स्ट्रिप में गाजा पट्टी में जो रह भी रहे थे लोग वो इजिप्शियन नहीं, वो पैलेस्टीन के लोग थे, पैलेस्टीनियन मुसलमान थे, इजिप्शियन मुसलमान नहीं थे, थोड़ा सा एथनिक डिफरेंस है दोनों में। दूसरी टेरिटरी थी वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक एक ऐसी टेरिटरी है जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ द रिवर जॉर्डन की है,
जॉर्डन जो है, ट्रांस जॉर्डन, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब मैंडेट सिस्टम आया था तो ट्रांस जॉर्डन जो है वो ब्रिटेन का एक मैंडेट बन गया था। जॉर्डन में एक नदी है जिसका नाम है रिवर जॉर्डन। उस रिवर जॉर्डन के वेस्ट और ईस्ट साइड पे दो टेरिटरीज हैं। वो टेरिटरी जो जॉर्डन रिवर के वेस्टर्न साइड पे है उसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, वो टेरिटरी जो जॉर्डन रिवर के ईस्ट साइड पे है उसको ईस्ट बैंक बोलते हैं। अच्छा, जो ईस्ट बैंक वाली टेरिटरी है वहां पर जो लोग रह रहे थे, मुसलमान लोग रह रहे थे, वो जॉर्डन वाले लोग थे। लेकिन जॉर्डन के वेस्ट बैंक वाली जो टेरिटरी है जिसको वेस्ट बैंक के ही नाम से जाना जाता है, उस टेरिटरी में पैलेस्टीनियन लोग रह रहे थे। तो 1948 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस ने दो चीज़ें बोली। सबसे पहले उसने बोला कि इजिप्ट और जॉर्डन, सुनिए, आपके पास वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप दो टेरिटरीज हैं। इजिप्ट को बोला कि गाजा स्ट्रिप है तो आपकी, लेकिन क्योंकि वहाँ पर पैलेस्टीनियन मुसलमान रहते हैं तो इन मुसलमान के वेलफेयर के लिए, इन मुसलमान भाईचारों के लिए, आप ये गाजा पट्टी का इलाका अरब्स को दे दो, उन अरब्स को जिनके लिए अरब पैलेस्टीन दिया गया है, क्योंकि पैलेस्टीन का तो बंटवारा होना था। एक हिस्सा पैलेस्टीन का यहूदियों को मिला था और दूसरा हिस्सा जो था वो पैलेस्टीन के अरब्स को मिला था। तो आप इजिप्ट को बोला गया कि गाजा स्ट्रिप की वो इलाके को जो है तो आपका, लेकिन क्योंकि वहां पर पैलेस्टीनियन अरब रहते हैं, वो इलाका आप इन पैलेस्टीनियन मुसलमानों को ही दे दो। इससे क्या होगा कि जो पैलेस्टीन अरब का इलाका है टेरिटोरियली वो बड़ा हो जाएगा। जॉर्डन को भी बोला कि भाई वेस्ट बैंक वाला इलाका भी जो है आप इनको दे दो। अब देखो, ये सारे देश थे तो मुसलमान देश, अब जॉर्डन भी एक मुसलमान कंट्री है, इजिप्ट भी एक मुसलमान कंट्री थी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। तो पैलेस्टीन अरब को वेस्ट बैंक भी मिल गया, पैलेस्टीनियन अरब्स जो लोग थे उनको गाजा पट्टी भी मिल गई जॉर्डन से और इजिप्ट से। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि एक टेरिटरी है यहां पर जिसका नाम है जेरूसलम। जेरूसलम को यहूदी लोग भी क्लेम करते हैं, क्रिश्चियन लोग भी क्लेम करते हैं और मुसलमान लोग भी क्लेम करते हैं, और ये टेरिटरी है बिल्कुल पैलेस्टीन और जॉर्डन के बगल बगल में। अब समस्या ये थी कि भाई ये टेरिटरी किसको दी जाए, यहूदियों को दे दी तो भाई क्रिश्चियंस अपसेट हो जाएंगे, मुसलमान अपसेट हो जाएंगे, मुसलमानों को दे दी तो यहूदी लोग अपसेट हो जाएंगे, क्रिश्चियन लोग अपसेट हो जाएंगे, क्रिश्चियंस का वैसे तो कोई डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं है तो उनको यहाँ पर दे दी तो यहूदी और मुसलमान अपसेट हो जाए। तो संयुक्त राष्ट्र ने निर्णय लिया कि जेरूसलम एक इंटरनेशनल सिटी बन के रहेगी जिस पे संयुक्त राष्ट्र का कंट्रोल रहेगा। तो ये टेरिटरी ना तो यहूदियों को मिलेगी ना मुसलमानों को मिलेगी, एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेरूसलम बनेगा। वहां पर सब आ सकते हैं, यहूदी भी आए वहां पर, आपके मुसलमान भी आए, कोई भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगी। मई 1948 में अमेरिका की मदद से इजराइल फाइनली बना। जैसे ही इजराइल बना, इजराइल ने अपना एक बाउंड्री बना लिया। अब जब इजराइल ने अपना बाउंड्री बनाया, आइडियली तो इस बाउंड्री के बगल में, आइडियली इस बाउंड्री के बगल में जो टेरिटरी थी पैलेस्टीन की, वहां पर अरब पैलेस्टीन का टेरिटरी बनना था। अब भाई जो पैलेस्टीन की टेरिटरी यहूदियों को मिली थी, उस टेरिटरी को ज्यूइश पैलेस्टीन बोला जाता है, एक टेरिटरी अरब्स को मिली थी उसको अरब पैलेस्टीन बोला जाता है, तो जो टेरिटरी यहूदी लोगों को मिली थी ज्यूइश पैलेस्टीन, उस ज्यूइश पैलेस्टीन में यहूदी लोगों ने अपना देश बनाया और उस देश का नाम इजराइल रखा। तो मई 1948 में इजराइल का गठन उस टेरिटरी में हुआ जो संयुक्त राष्ट्र ने पार्टीशन करके, पैलेस्टीन का वो टुकड़ा तोड़कर यहूदी लोगों को इंटरनेशनल तौर पर दिलवाया। अब यहूदी लोगों ने यदि ज्यूइश पैलेस्टीन का नाम इजराइल रखा तो एक टेरिटरी अरब पैलेस्टीनियन को भी मिली थी। अभी ये अरब पैलेस्टीनियन के पास भी एक ऑप्शन था कि वो अपनी टेरिटरी का कुछ भी नाम रखे, उसको अरब पैलेस्टीनी बुला लें या कोई और नाम रखना चाहे तो वो रख लें। लेकिन दिक्कत ये थी कि इजराइल बनने के बाद अरब पैलेस्टीन की टेरिटरी में कोई अरब पैलेस्टीन नामक देश बना ही नहीं। आयरॉनिकली कुछ ऐसा हो गया 1948 में
कि इसराइल के बगल में एक अरब पैलेस्टीन का टेरिटरी है। इसराइल एक ऐसा देश है जिसने अपनी बाउंड्री बना ली, अपने लोगों को पासपोर्ट देना चालू कर दिया, और उसी के बगल में एक टेरिटरी थी जो अरब पैलेस्टीन की थी, जिनके पास कोई देश ही नहीं था। अब इनके पास देश क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की तरह यहूदी लोगों को जैसे उन्होंने मदद करी, किसी अरब देश ने अपने ही अरब मुसलमानों की मदद नहीं करी। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने मदद क्यों नहीं करी? इनको तो सबको मदद करनी चाहिए थी, पर इन्होंने मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि सारे के सारे अरब देश इस चीज़ से नाराज थे कि पैलेस्टीन जो कि एक अरब टेरिटरी थी, मुसलमानों की टेरिटरी थी, यहाँ पर ये यहूदी लोग कैसे घुस बैठे। इसी रीज़न से इसराइल के बनने के तुरंत बाद 1948 में अरब्स और इसराइल के बीच में एक लड़ाई हो गई, और जितने भी अरब देश थे, सीरिया, जॉर्डन, लेबनन, इराक, सऊदी अरब, इन सारे देशों ने 1948 में तुरंत ही इसराइल बनने के तुरंत बाद इसराइल के ऊपर एक हमला बांध दिया, और ये हमले की वजह से शुरुआत हुई फर्स्ट अरब इसराइल वॉर की। ये जो फर्स्ट अरब इसराइल वॉर हुआ, इसको रोकने के लिए फिर से तुरंत संयुक्त राष्ट्र आया, यूनाइटेड नेशंस आया। 1949 तक इस लड़ाई को रोका गया किसी तरीके से। 1949 में संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन ने फिर से अरब्स को बोला कि यार आपको एक टेरिटरी मिला है, आप अपना अरब पैलेस्टीन बनाइए, लेकिन ये अरब पैलेस्टीन बनाने के लिए अपने अरब देशों से मदद मांगिए, बोलिए इन लोगों को, सऊदी अरब वगैरह को, कि मदद करें आपकी। लेकिन नहीं, उनका सोल पॉइंट ऑफ एजेंडा ये था कि हम अरब पैलेस्टीन नहीं बनाएंगे, ये यहूदी लोग यहाँ पर कैसे आए? अरे भाई वो आ गए, अब वो वहीं रहेंगे, वो नहीं जाएंगे। एक विश्व स्तर पर इंटरनेशनल निर्णय लिया गया है कि वो वहीं रहेंगे, लेकिन नहीं माने ये। तो 1949 से 1956 तक खैर कोई लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन कुछ स्टेबिलिटी भी नहीं थी। अब 1956 में, 1956 में इजिप्ट को बेसिकली एक बहुत ही घातक चीज को झेलना पड़ा। क्यों? इजिप्ट, आपको याद होगा मैंने बताया था कि इजिप्ट एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी। इजिप्ट 1953 में आजाद हुआ ब्रिटिशर से, और जब इजिप्ट आजाद हुआ तो इजिप्ट में उस समय जो रूलर था उसका नाम था नासिर। जो नासिर था, जो इजिप्ट का हेड ऑफ द स्टेट था, इजिप्ट की आज़ादी के बाद ये चाहता था कि हम इजिप्ट में विकास कार्य करें। अब इस विकास कार्य को करने के लिए इजिप्ट में एक बहुत ही विशाल नदी है जिसका नाम है नाइल, नाइल रिवर। अब नासिर ने सोचा कि यार हम नाइल रिवर पे डैम्स बनाएंगे, उन डैम्स को बनाने के बाद नाइल रिवर से बिजली का उत्पाद करेंगे, इस बिजली के उत्पाद से हमारे देश में इंडस्ट्री लगेगी, और अगर सरप्लस बिजली हुई तो हम इस नाइल रिवर से बिजली पैदा करके आसपास के देशों को एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो उस समय नासिर ने एक बहुत मेगा प्लान बनाया कि भाई नाइल रिवर पे हम डैम्स बनाएंगे, लेकिन समस्या ये थी कि नासिर के पास पैसा नहीं था। नासिर को पैसा चाहिए था। नासिर ने सबसे पहले जाकर ब्रिटेन को बोला कि भाई देखिए, आप तो हमारे कॉलोनियल पार्टनर रूलर रहे हैं, आप हमें लोन दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे जब पैसा वापस आएगा, हम कोई आपसे एड नहीं मांग रहे, लोन मांग रहे। अब ब्रिटेन की फाइनेंशियल हालात 1956 में अच्छे नहीं थे, तो उस समय क्या हुआ कि ब्रिटेन ने बोला कि नहीं, हम नहीं मदद कर सकते आपकी। नासिर को बड़ा बुरा लगा, नासिर फ्रांस के पास गया, फ्रांस को बोला यार तुम थोड़ा मदद कर दो, लोन दे दो लोन। फ्रांस ने बोला यार नहीं, हमारे पास भी पैसे नहीं है। अब नासिर अमेरिका गया, अब नासिर जब अमेरिका गया, अमेरिका से उसने बोला यार तुम दे दो लोन थोड़ा। अब अमेरिका के पास पैसे की किल्लत तो नहीं थी, लेकिन अमेरिका को ये लगा कि यार ब्रिटेन जो है उसने पैसा नहीं दिया है, फ्रांस जो है, जो इस इलाके में ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा उन लोग का दबदबा रहा है, जब इन दोनों ने लोन मना कर दिया, यदि मैं पैसा दे दूं नासिर को तो ब्रिटेन और फ्रांस निराश होंगे, कहेंगे कि भैया
हमारे यहाँ पर पैसे की किल्लत है, तुम हमें नहीं दे रहे हो बल्कि इसको उठा के दे रहे हो, वो भी ऐसे ही वो गंदी सी नदी पे वो डैम वैम बनाना चाहता है। तो इस परिस्थिति में अमेरिका ने भी टालम टोल करते हुए नासिर को बोला कि यार नहीं सुनो, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम एक्चुअली ना मतलब पैसा है लेकिन हम जो है इजिप्ट में अभी पैसा लगाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी जो है शीत युद्ध चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रही है, हम रशिया को कंटेन करना चाहते हैं, तो हमारा सारा रिसोर्स जो है रशिया के फोकस पे है। तो अमेरिका ने ये सब कह के नासिर को टाल दिया। नासिर बेचारा निराश होता हुआ वापस आया। जब वो निराश होकर वापस आया तो अब वो सोच रहा था कि पैसे का जुगाड़ कैसे किया जाए। तो उसको याद आया कि 1860-1870 के दशक में ब्रिटेन और फ्रांस ने पैसा लगाकर इजिप्ट में एक कैनाल बनाया था जिसका नाम था स्यूज कैनाल, और इस स्यूज कैनाल का कंट्रोल उन्होंने एक निजी कंपनी को दिया था। उन्होंने कहा कि भाई ये निजी कंपनी जो है इसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अधिकारी रहेंगे और उसको एक निजी कंपनी की तरह से मैनेज करेंगे। स्यूज कैनाल की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस को समुद्री तट से एक्सेस मिल जाता था बहुत जल्दी, तो उनको पूरा अफ्रीका घूम के नहीं जाना पड़ता था, तो उससे शिप ट्रेड जो है एशिया के बीच में और यूरोप के बीच में बहुत जल्द होता था। अच्छा, इजिप्ट 1953 में आज़ाद तो हो गया था ब्रिटिश से, लेकिन उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश कंपनी थी अभी तक वो स्यूज कैनाल को संभाल रही थी। ब्रिटिश कंपनी स्यूज कैनाल का मैनेजमेंट अभी भी कर रही थी और वहां पर निजी ये ब्रिटिश एम्प्लॉयज अभी भी थे। तो नासिर ने सोचा कि यार देखो और कोई तरीका तो है नहीं, ये स्यूज कैनाल का कंट्रोल ही अब हम अपने हाथों में लेते हैं और ये क्योंकि एक इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है तो चलो यहीं से थोड़ा रुपया उठाते। तो 1956 में नासिर ने स्यूज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया, उसका राष्ट्रकरण कर दिया। नासिर ने जाकर वो ब्रिटिश इम्प्लॉयज वगैरह जो बैठे थे उस कंपनी के उनको बोला कि चलिए बोरिया बिस्तरा बांधिए, चलिए उठिए जल्दी यहाँ से निकलिए अब आप। तो जैसे ही उसने वो किया और उसके बाद उसने स्यूज कैनाल का राष्ट्रकरण करके उसको नेशनलाइज किया, तो उसके बाद नासिर ने एक नया पर्चा निकाला और बोला कि भाई अब स्यूज कैनाल के प्रयोग के लिए कुछ नए रूल हैं, और कुछ नए रूल जो हैं वो ऐसे हैं कि यदि बाकी पूरे विश्व के सारे देश यदि उनकी कोई शिप अगर मान लीजिए स्यूज कैनाल से जा रही है, तो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि उनकी रसीद 10 रुपए की कटेगी, और अगर स्यूज कैनाल का प्रयोग ब्रिटेन और फ्रांस की कोई शिप यदि करती है तो उसकी पर्ची 50 रुपए की कटेगी। ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा कि यार ये क्या मतलब तरीका है भाई, बाकियों की 10 रुपए की पर्ची कट रही है हमारी 50 की। उसने कहा कि नहीं अब ये तो रूल मेरा है, ऐसे ही चलेगा। खुंदस निकालना चाहता था ब्रिटेन और फ्रांस, दोनों बड़े अपसेट हो गए। अच्छा, दूसरा नासिर ने एक बड़ा कमाल का रूल निकाला। नासिर बोला कि भाई विश्व स्तर पर कोई भी कंट्री की शिप यहां से जाए स्यूज कैनाल से हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन कोई भी देश की शिप यदि इजराइल की ओर जा रही है तो वो स्यूज कैनाल का प्रयोग नहीं करेगी, और इजराइल की कोई शिप है वो भी स्यूज कैनाल के अंदर बिल्कुल कोई प्रयोग नहीं करेगी। यानी कि मान लीजिए कोई तीसरा देश भी अगर कुछ सामान इजराइल को भेज रहा है तो वो स्यूज कैनाल के थ्रू भेज ही नहीं सकता, मतलब रसीद कटेगी ही नहीं सर, आपको शिप घुमा के वापस ले जानी पड़ेगी। और अगर इजराइल की शिप है तो वो तो स्यूज कैनाल के अंदर घुस ही नहीं सकती। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई नासिर ने इसराइल के खिलाफ ऐसा क्यों किया? क्योंकि याद कीजिए 1948 में जब इसराइल बना था तब पहला युद्ध हुआ था अरब्स के बीच में और इसराइल के बीच में, और उस युद्ध में इजिप्ट पार्ट नहीं ले पाया था क्योंकि इजिप्ट 1953 तक ब्रिटिश का कॉलोनी था। तो अब इजिप्ट के अंदर एक अर्ज थी कि हम कुछ रिवेंज लें, इजिप्ट के अंदर एक अर्ज थी कि हम बदला लें, हम दिखाएं पूरे मुसलमान देशों को कि देखिए हम जो है इसराइल के खिलाफ है। तो नासिर अपनी पॉपुलैरिटी दिखाना चाहता था, इस पॉपुलैरिटी में उसने इसराइल के ऊपर प्रोहिबिशन लगा दिया। इसराइल ने नासिर को बोला कि सुनो तुमको पैसा वैसा चाहिए हमसे पैसा ले लो, ब्रिटेन फ्रांस का 50 का रसीद काट रहे हो, हमारा 100 का काट लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, शिप को आने दो। वो बोला कि 100 तो छोड़ो,
तुम 2000 रुपया भी दोगे ना, हम तो भी तुमको नहीं आने देंगे। इसराइल नाराज हो गया। इसराइल बोला यार ये तो बदतमीजी है। अब ब्रिटेन और फ्रांस अलग से नाराज थे। तो उस समय क्या हुआ कि 1956 में फ्रांस में एक सीक्रेट मीटिंग हुआ। ये सीक्रेट मीटिंग में ब्रिटेन, फ्रांस और इसराइल तीनों बैठे चुपचाप, तीनों एक कमरे में बंद करके एकदम बैठे। और वहां पर ब्रिटिश जो है उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला कि सुनो, इजिप्ट को सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इसराइल तुम एक काम करो, तुम ये जब मीटिंग खत्म होती है यहां से तुम वापस जाओ, और वापस जाके क्या करो कि तुम इजिप्ट के ऊपर आक्रमण कर दो, युद्ध छेड़ दो। इसराइल बोला कि सच में भाई युद्ध छेड़ दें? बोला हाँ तुम युद्ध छेड़ दो। तो ब्रिटेन बोला कि जैसे ही तुम युद्ध छेड़ोगे ना, ब्रिटेन फ्रांस को बोला कि सुनो फ्रांस, तुम एक काम करना कि जैसे ही ये दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाएगा तुम तुरंत जाना और इन दोनों को छुड़वाने की कोशिश करना। इन दोनों को बोलना इसराइल इजिप्ट को कि नहीं 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 लड़ना नहीं है, आओ बैठ के बात करते, इनको उस झांसे में लेके आना। तो फ्रांस और इसराइल फिर ब्रिटिश से पूछे कि भैया फिर तुम क्या करोगे? तो ब्रिटिश बोले कि सुनो इसराइल, जब तुम इजिप्ट से लड़ रहे होगे और फ्रांस जब तुमको छुटवा रहा होगा, उस समय हम क्या करेंगे कि हम यहां से अपना शिप भेज देंगे और सारा शिप्स भेज के पूरा का पूरा स्यूज कैनाल को दोबारा से रीऑक्यूपाई कर लेंगे, फिर देखते हैं नेशनलाइजेशन और ये सब क्या होता है। अभी मीटिंग हुआ छोटा सा, तुरंत इसराइल वापस आ गया, फ्रांस अपने घर चला गया, ब्रिटेन अपना वापस, और जैसा प्लान किया गया वही हुआ। 1956 में प्लान के हिसाब से इसराइल ने तुरंत इजिप्ट के ऊपर आक्रमण कर दिया, युद्ध छेड़ दिया। जैसे ही युद्ध छेड़ा, अमेरिका एकदम से परेशान हुआ। अमेरिका ने बोला क्या चल रहा है यहाँ पर, ये जल्दी वहां से हटो, क्या चल रहा है? तो अमेरिका आया, हटाया इसराइल, बोले क्या कर रहे थे यहां पर तुम? तो इसराइल बोला कि हम इस पर अटैक किए क्योंकि ये हमको बोल रहा था कि स्विस कैनाल का तुम प्रयोग नहीं कर सकते। अमेरिका बोला वाह, वो बोल रहा है कि तुम स्विस कैनाल का प्रयोग नहीं करोगे तो तुम उसके ऊपर आक्रमण कर दोगे, वहां हिम्मत कैसे हुई ये करने की? जब अमेरिका ने इसराइल को डांटा, इसराइल एकदम आंखें नीचे करके एकदम खड़ा हो गया। अमेरिका बोला ये तुम्हारा हरकत तो लगता नहीं हमको, शक्ल से तो इतने भोले नहीं है। तो इसराइल उस टाइम में एकदम जो है बोल दिया कि हाँ ये काम हमारा नहीं है, ये चीज ब्रिटिश ने हमको इनकरेज कराया था बोलने के लिए, ब्रिटेन को जाके बोलो तुम। अमेरिका गया ब्रिटेन के पास, अमेरिका बुलाया उसको, बोला कि क्या कर रहे हो भाई, इसराइल बोल रहा है कि तुम उसको भड़काए थे ये करने के, क्या बात ये सच है? ब्रिटेन अमेरिका को उस अहंकार में, अहंकारी तो थे ही हमेशा ये ब्रिटिश, इस अहंकार से ही तो मारे गए हमेशा। अभी भी देखिए उनके जो राष्ट्रपति हैं उनका अभी भी वही हाल है, दांत मुंह से बाहर निकल रहे हैं लेकिन अहंकार अभी तक खत्म नहीं हुआ। और वही हालात कि भैया अहंकार में ब्रिटिश जो है उस समय अमेरिका को बोले कि सुनो ऐसा है अमेरिका, ये मिडल ईस्ट का इलाका है, यहाँ की राजनीति को तुम नहीं समझते हो, हम जानते हैं, इस इलाके में हम हमेशा से दबदबा बनाए रखे हैं, हम संभाल लेंगे, तुम अपने काम से काम रखो। अमेरिका बोला ओ सुन 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 ब्रिटेन सुन, शीतयुद्ध चल रहा है, सुपर पावर मैं हूं, तू है कौन, हैसियत क्या तेरी? फ्रांस आ गया एकदम से, अरे छोड़ो भैया छोड़ो 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 भैया। इसराइल उस समय वहीं खड़ा था, इसराइल आके तुरंत बोला अमेरिका के कान में, भैया भैया ये फ्रांस वाला भी था, इनफैक्ट ये पूरा प्लानिंग तो मीटिंग तो फ्रांस में ही हुआ। अमेरिका एकदम जो है फ्रांस का गला पकड़ लिया, बोला कहा भाई तुम्हारे यहाँ मीटिंग तुम्हारे यहाँ हुआ था? बोला अरे नहीं भैया नहीं, हम तो माफी मांग रहे हैं, हम तो गलती हो गया भैया, माफी मांग रहे हैं, गलती हो गया। एक चीज तय थी,
अमेरिका ना चाह के भी इस परिस्थिति में इंटरफेयर करा। अमेरिका ने इजिप्ट और इसराइल के बीच के युद्ध को रुकवाया, अमेरिका ने इसराइल को झाड़ा, ब्रिटेन को उसकी औकात बताई, फ्रांस से माफ़ी मंगवाई। अमेरिका ने दिखा दिया इस स्यूज कैनाल क्राइसिस में कि सुपर पावर ब्रिटेन और फ्रांस नहीं बल्कि अमेरिका खुद है। और इस पूरे क्राइसिस में जब ये सब चल रहा था तो मिडिल ईस्ट के वो जो अरब देश थे वो सब खुशी मना रहे थे कि देखो नासिर हीरो है, हीरो हमारा मोती है ये, क्योंकि इसने देखो ऐसी हरकत करी, नेशनलाइज कर दिया स्यूज कैनाल को कि उसके बाद पूरे के पूरे विश्व स्तर पर इसराइल की बेइज्जती हुई है। और उस समय पूरा टाइम पूरे अरब्स के मुसलमान देशों में नारे लग रहे थे, हर घर नासिर, घर घर नासिर, हर घर नासिर, घर घर नासिर। नासिर एकदम हीरो बन गया था। लेकिन ये जो खुशी थी अरब्स के मन में, ये चंद दिनों की खुशी थी। दो चार दिन के बाद अरब्स सारे मुसलमान देश फिर से मायूस हो गए। लोगों ने पूछा कि अब क्यों मनहूस सा मुंह बना के बैठे हो, इतनी गंदी शक्ल। तो बोले नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन ये यहूदी लोग यहां क्या कर रहे हैं? अब इन मंद बुद्धिक लोगों को, बैल बुद्धि टाइप वालों को कौन समझाए? इन्होंने फिर से वही रट लगा दी, यहूदियों को हटाओ, यहूदियों को हटाओ। अब जब ये सब चल रहा था तो 1960 के दशक में स्यूज कैनाल क्राइसिस के बाद, क्योंकि अरब पैलेस्टीनियंस की मदद कोई नहीं कर रहा था, तो उस अरब पैलेस्टीन के इलाके में छोटे छोटे संगठन क्रिएट होना शुरू हो गए। और उसी दौरान 1964 में एक संगठन बना अरब पैलेस्टीन के इलाके में, जिसका नाम रखा गया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO। और इसको क्रिएट करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था, एक यंग सा लीडर, युवक नेता था, उसका नाम था यासिर अराफात। जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बनी, जिसका नेता था यासिर अराफात, इस यासिर अराफात ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाते ही एक नारा दे दिया कि इसराइल का नामो निशान मिटाएंगे, इसराइल को मार गिराएंगे। युवक नेता था, यंग खून था। उस समय क्या हुआ कि जब इसने ऐसी बात करनी शुरू करी तो जितने भी अरब देश थे, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये सारे देश जो है यासिर अराफात को सपोर्ट करने लग गए। हाँ हाँ भाई, हाँ बिल्कुल सही भाई, भाई भाई यही करो, मारो इसराइल को, मारो मारो, तुम मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। यासिर अराफात ने पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया, जिसके तहत वो मिलिट्री एक्टिविटी करना चाहता था इसराइल के ऊपर। और इस मिलिटेंट ग्रुप का नाम रखा गया फिलिस्तीनिया अल वतनिया तहरीर अल हरकत, इन शॉर्ट फाता। तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बनी, यासिर अराफात उसका लीडर था। उसी यासिर अराफात की PLO के अंदर एक मिलिट्री यूनिट बना जिसका नाम था फाता, FATAH, फिलिस्तीनिया अल वतनिया तहरीर अल हरकत। ये बन गया। अब क्या हुआ, अब PLO जो है आसपास के मुसलमान देशों से, इजिप्ट से, सीरिया से, लेबनन से बोला कि भैया हमको पैसा दो, सपोर्ट करो, आर्म्स एमुनिशन खरीदेंगे, ये सब काम करना चालू कर दिया। फोर फ्रंट पे एक देश था इजिप्ट, जो PLO के ऊपर बहुत पैसा लगाने लगा। सीरिया ने भी पैसा लगाया, जॉर्डन ने भी पैसा लगाया, सबने लगाया। अच्छा, 1967 में 3 साल के बाद इजिप्ट अपना कंट्री में मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर रहा था। देखिए, मिलिट्री मोबिलाइजेशन एक बड़ी जनरल सी एक्सरसाइज होती है।
मिलिट्री मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि आप अपने मिलिट्री के यूनिट से एक जगह से दूसरी जगह उनको लेके जाते हो। आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि मिलिट्री अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको अलग अलग जगहों का एक्सपोजर मिलेगा। भारत में जैसे जब हम मिलिट्री मोबिलाइजेशन करते हैं तो हम कश्मीर से मिलिट्री को हटा के चाइना के बॉर्डर पर भेज देते हैं, चाइना के बॉर्डर से हटा के हम जो है उसको म्यांमार बॉर्डर पर भेज देते हैं। अलग अलग थिएटर्स का एक्सपोजर मिलता है। म्यांमार वाले पे अगर कोई होगा तो उसको चाइना या पाकिस्तान भेज देंगे। अगर किसी मिलिट्री यूनिट ने तीनों जगह का एक्सपोजर ले लिया होगा तो उसको यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भेज देंगे। तो मिलिट्री मोबिलाइजेशन में ये सब चलता रहता है। तो इजिप्ट ने 1967 में मिलिट्री मोबिलाइजेशन करना चालू करा। अब क्या हुआ, इसराइल ने ये चीज़ देखी। इसराइल को लगा कि ये मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर रहा है क्योंकि ये हमको अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन इसराइल ने अपने मनगढ़ंत ऐसी सोच बना। और 1967 में इस मिलिट्री मोबिलाइजेशन को देखते हुए इसराइल ने इजिप्ट के ऊपर हमला कर दिया। अरे भैया, वो मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर रहा है, ये तो वही मतलब हो गया कि आप अपने घर की गाड़ी बैक कर रहे हो तो आपके नेबर ने ये सोचा कि आप बैक इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं नीचे रोड पर उतरूंगा तो आप मेरे को कुचल दोगे। इसराइल ने यही सोचा, उसने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक लॉन्च कर दिया। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक एक शब्द होता है मिलिट्री टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी में, जिसमें हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव स्ट्राइक, प्रीएम्प्टिव टू प्रिवेंट एन अटैक फ्रॉम योर एडवर्सरी। तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हुआ। अच्छा, अब इसराइल ने क्या किया, इतना बदतमीज किस्म का नापाक देश है कि 1967 में उसने इजिप्ट की मिलिट्री मोबिलाइजेशन को देखते हुए इजिप्ट पे अटैक कर दिया। अच्छा, अटैक करने के बाद क्या हुआ, उसने इजिप्ट से वो गाजा पट्टी का इलाका जो पैलेस्टीनियन अरब्स को मिला था, क्योंकि वहां पर तो वैसे ही कोई टेरिटरी नहीं थी पहले, तो उसका कब्जा कर लिया। दूसरा उसने क्या करा, साथ में जॉर्डन को पकड़ के भी पीट दिए। जॉर्डन बोला, भाई हम क्या कर रहे थे? बोले, नहीं तू है कौन? वो बोला, यार हम तो जॉर्डन है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। नहीं तू लेकिन अरब तो है। हाँ भैया हम अरब है। ना तू भी पिटेगा। पीट दिए। जॉर्डन का जो इलाका वेस्ट बैंक था जो कि मिला पैलेस्टीनियन अरब्स का था, उसको पीट के वो इलाका भी छीन लिया। अच्छा, इसराइल ने सिर्फ ये नहीं किया, उसने इजिप्ट से गाजा पट्टी छीनी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीना, यूनाइटेड नेशंस के जो लोग जेरूसलम में बैठे थे उनको पकड़ के चमाट मार दिए। उनको बोले, निकलो यहां से, वक्त जेरूसलम को कैप्चर कर लिया। और तो और, सीरिया के पास जाकर सीरिया को भी कैप्चर कर लिए। और सीरिया का जो कैप्चर किया उन्होंने टेरिटरी, उसको बोलते हैं गोलन हाइट्स। बेसिकली सीरिया और इसराइल जो है वो एक दूसरे के नेबर हैं, और सीरिया में माउंटेन्स हैं जिनका नाम है गोलन हाइट्स। अभी वो माउंटेन ऐसे हैं कि वो एकदम बॉर्डर पे हैं, और वो बॉर्डर पे भी ऐसे माउंटेन हैं कि यदि उस माउंटेन के ऊपर अगर कोई खड़ा हो जाए तो उस केस में वहां से उसको एक बर्ड्स आई व्यू मिलता है दूसरे टेरिटरी का। यानी कि अगर वो माउंटेन क्लाइंब करके सीरिया की आर्मी गोलन हाइट्स के ऊपर आ जाए तो वो पूरे इसराइल को देख सकती है, और यदि इसराइल की आर्मी गोलन हाइट्स पर चढ़ जाए, जबकि वो चढ़ नहीं सकती क्योंकि वो टेरिटरी वैसे तो सीरिया की है, लेकिन मान लीजिए कि यदि सीरिया की उस टेरिटरी के अंदर घुस के अगर इसराइल की आर्मी उन पहाड़ियों पर चढ़ जाए गोलन हाइट्स के, तो वो पूरे सीरिया को देख सकती है। इसराइल ने, आप सोचिए कि गोलन हाइट्स को भी छीन लिया। किस प्रकार का देश है, आप सोचिए, पहाड़ चोर, मतलब किसी के पहाड़ी चोरी कर लिए तुमने यार। 1967 में इसराइल ने इजिप्ट से गाजा पट्टी, जेरूसलम, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, और सबसे महत्वपूर्ण कि सीरिया से गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया और अपना इलाका टोटल 200% बढ़ा लिया, और अब बोला कि यह है अखंड इसराइल, यही रहेगा, अब कोई बदलाव नहीं होगा बॉर्डर में। और तो और, जेरूसलम को कैप्चर करने के बाद इसराइल ने यह भी बोल दिया कि जेरूसलम मेरा कंट्री का, इसराइल का कैपिटल है। मतलब भाई साहब, दाद देनी पड़ेगी, किसी दूसरे की सिटी उठा के ले जाओ और उस सिटी को अपने कंट्री का कैपिटल बना लो, पहाड़ चोरी कर लो, पहाड़ चोर, सोचिए आप, सारे के सारे अरब्स, मुसलमान देश निराश हुए।
सारे गए संयुक्त राष्ट्र कंप्लेंट करने इसराइल के खिलाफ। एक रेजोल्यूशन पास हुआ, यूएन रेजोल्यूशन 242। उस रेजोल्यूशन के तहत संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल को बोला कि आप उन्हीं बॉर्डर्स पे वापस जाइए जो 1967 में लड़ाई छिड़ने से पहले थे, और हम आपको आदेश देते हैं कि आप उन बॉर्डर्स पे जाइए। इसराइल बोला हम कोई आदेश वादेश नहीं मानते, अब आज से यही बॉर्डर है और इन अरब देशों को समझा दो ये बॉर्डर अगर इनको नहीं पसंद है तो कल को ये ना हो कि आने वाले समय में आसपास ये देश भी ना बचे। ये अरब जोर घबरा गए, ये कैसी बदतमीजी है, ये किस प्रकार की भाषा है। अब इसराइल ने टेरिटरी देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, वापस आए। वापस आने के बाद ये हुआ कि भाई इसराइल ने गाजा पट्टी पे इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया। अब गाजा पट्टी में इलीगल ऑक्यूपेशन करके उस समय इसराइल ने गाजा पट्टी में एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम रखा मुजामा अल इस्लामिया। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने यह संगठन बनाया मुजामा अल इस्लामिया, और इसका हेड बनाया शेख अहमद यसीन को। इसराइल ने एक बड़ा अनोखा किस्म का गेम खेला, उसने क्या करा कि मुजामा अल इस्लामिया को बनाकर गाजा पट्टी में उसकी प्रेजेंस रखकर उसको बोला कि आप पैलेस्टीनियन अरब्स के लिए अस्पताल बनाइए, स्कूल बनाइए, ये सब बनाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम इलाका वापस नहीं देंगे। कोवर्ट लेवल पर सपोर्ट मिलता रहा, पैलेस्टीनियन अरब्स जितने थे वो बड़े कंफ्यूज हो गए ये चल क्या रहा है। एक संगठन बन गया मुजामा अल इस्लामिया। अब खैर वो लीडरशिप तो मुसलमान की थी शेख अहमद यसीन की, उसके बाद भरपूर मात्रा में पैसा आया जाए, उनको समझ नहीं आ रहा ये पैसा कहाँ से रहा था। और वो जो है गाजा पट्टी में अस्पताल बना रहा है, कॉलेज बना रहा है, यूनिवर्सिटी बना रहा है, इस्लामिक यूनिवर्सिटी तक बना दिया उसने। बेसिकली आइडिया इसराइल का कुछ ऐसा था, उसके मन में गेम प्लान ये चल रहा था कि हम गाजा पट्टी को ऑक्यूपाई करके रखें, उसको इतना मॉडर्नाइज कर दें मुजामा अल इस्लामिया का प्रयोग करके कि नंबर वन गाजा पट्टी के लोगों का देखने का नजरिया बदल जाए, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि अगर हम मुजामा अल इस्लामिया को सपोर्ट करते हैं तो हमारी खुद की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हो जाएगी गाजा पट्टी में, जिसका प्रयोग करके हम पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO को काउंटर कर सकेंगे। लेकिन जब 1967 में ये लड़ाई हुई, इसके बाद जब इसराइल ने मना कर दिया कि हम इलाके वापस नहीं देंगे, तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो थी उस समय PLO, इसने सारे अरब देशों को बोला कि भाइयों अब समय आ चुका है, इसराइल को सबक सिखाना पड़ेगा। अगर इसराइल अब टेरिटरी जो उसने ऑक्यूपाई कर रखी है गाजा पट्टी की, वेस्ट बैंक की, जेरूसलम की, गोलन हाइट्स की, अगर पीसफुल तरीके से वापस नहीं लौटाता है तो हमें उससे छीननी पड़ेगी। अब इस परिस्थिति में गेम और खराब हो गया। 1973 में इसी चीज का एक अंजाम दिया गया। हर साल 6 अक्टूबर को यहूदी लोग अपना न्यू ईयर मनाते हैं, और जो वो न्यू ईयर होता है उसको ये लोग कहते हैं योम किपुर। बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिव मोड होता है अक्टूबर का महीना, जो अभी चल भी रहा है। इस अक्टूबर के महीने में आप देखिए कि यहूदी लोग जो हैं, ज्यूइश लोग जो हैं, पूरा मंथ सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल्स मनाते हैं, फेस्टिव मोड में रहते हैं, क्योंकि 6 अक्टूबर उनका जो है बेसिकली न्यू ईयर डे होता है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 6 अक्टूबर 1973 को जब यहूदी लोग अपना यम किपुर फेस्टिवल मना रहे थे, उस फेस्टिवल मनाने के दौरान PLO ने, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनन, इराक, इन सारे देशों को एकजुट करके इसराइल के ऊपर एक अटैक कर दिया। युद्ध छिड़ गई, क्योंकि युद्ध छिड़ी 6 अक्टूबर 1973
उस दिन जिस दिन इसराइल अपना यम किपुर डे मना रहा था, न्यू ईयर डे मना रहा था, इसीलिए उस लड़ाई को यम किपुर वॉर के नाम से जाना गया। तो यम किपुर वॉर छिड़ गई, इसराइल फेस्टिव मूड में था, एकदम से आक्रमण हुआ, अनप्रिपेयर्ड थे, मालूम नहीं था, लड़ाई छिड़ी। इस लड़ाई छिड़ने के बाद अब ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि इसराइल के लोग बहुत भारी मात्रा में मरने लगे उस लड़ाई में। अमेरिका ने तुरंत इसराइल का सपोर्ट किया, अपने आर्म्स, एमुनिशन, वेपन, एयरफोर्स सब भेज दिए। जैसे ही अमेरिका का सपोर्ट इसराइल पे आया, 10 दिन के अंदर अंदर लड़ाई का तख्ता पलट गया। उस लड़ाई में जिसमें इसराइल पिट रहा था, 10 से 12 दिन के अंदर अंदर इसराइल ने पूरा का पूरा गेम पलट के पीएलओ को, इराक को, लेबनन को, जॉर्डन को, सीरिया को, सबको हरा दिया। और 1973 की यम किपुर वॉर में अमेरिका की मदद से इसराइल ये लड़ाई जीत गया। जब ये लड़ाई जीत गया इसराइल, तो सारे अरब्स फिर से निराश हो गए। निराशा का सबसे पहला कारण ये था कि भाई इस लड़ाई में हम लोग हार गए फिर से, और दूसरा कारण ये था कि ये यहूदी लोग अभी तक यहाँ क्यों हैं। अब ये सारे के सारे मुसलमान देशों ने एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में इन्होंने सोचने की कोशिश करी कि भाई हम लोग हार क्यों जाते हैं, बार बार पिट क्यों जाते हैं। जब इन्होंने वो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में इनको समझ आया कि भैया यम किपुर की लड़ाई में तो हम हारे इसी रीजन से हैं क्योंकि ये हार का कारण है अमेरिका। अब अमेरिका को सबक सिखाना होगा। इस रीजन से 1973 में नवंबर के महीने में लगभग सारे अरब देशों ने मिलकर एक निर्णय ले लिया कि हम अमेरिका को अब तेल नहीं बेचेंगे, और इस इंसिडेंट को ऑयल शॉक बोला जाता है। इस इंसिडेंट को ऑयल एम्बार्गो बोला जाता है, एम्बार्गो, EMBARGO। एम्बार्गो का मतलब हुआ कि एक कलेक्टिव डिसीजन कि हम एक स्पेसिफिक देश का ट्रेड लेवल पे बॉयकॉट करेंगे। तो 1973 में सारे अरब देशों ने निर्णय लिया मिलके कि भैया क्योंकि अमेरिका है जो कारण है कि भाई इसराइल इतना उछलता है, हम अमेरिका को तेल नहीं बेचेंगे। अमेरिका की परिस्थिति 2 हफ्तों के अंदर ऐसी ऐसी हो गई कि उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स करने लग गई। पेट्रोल पंप खाली पड़ गए, लोगों के गाड़ियों में गैसोलीन नहीं था, फ्यूल नहीं था, इंडस्ट्री ठप होने लगी, बिल्कुल ऑयल का ट्रेड पूरा का पूरा रुक गया। और अमेरिका को समझ आ गया कि उसके ऊपर जो बीती है वो कितनी बुरी बीती है। दिसंबर 1973 में अमेरिका इन अरब देशों के पास आया। उसने कहा कि देखिए ऐसा मत कीजिए, आप हमें तेल बेचिए। तो अरब देशों ने कहा कि क्यों, इसराइल से ले लो जाके, बहुत सपोर्ट करता है ना तू उसको, जाओ ले लो उससे तेल, चलो यहां से, चलो जल्दी यहां से हटो। अमेरिका ने सोचा कि यार समस्या तो हो गई है, दोबारा वापस आया। फिर से उसने बोला अरब्स को, इन मुसलमान देशों को, कि सुनिए इशू आपके मेरे बीच का है, इसराइल बीच में कहां से आया, आप हमें बताइए कि अगर आप तेल बेचना हमें चाहते हैं तो आप क्या चाहेंगे। अभी अरब देशों को लगा कि यार ये चीज तो हमने सोची नहीं थी कि ऐसा भी कुछ अंजाम होगा कि अमेरिका ऐसे भीख मांगता हुआ हमारे पैरों के पास आ जाएगा। अब ये सारे अरब देश, मुसलमान देश फिर से एक कमरे में गए, सोचने लगे अब क्या करें। फिर थोड़ी देर मीटिंग हुई, फिर उस मीटिंग के बाद एक मुसलमान जो है वो बाहर आया, एक ऊंट पे बैठा हुआ, खजूर खाता हुआ। उसने आके अमेरिका को बोला कि सुनिए, अगर आपको अब तेल खरीदना है हम लोगों से तो आपको हमारे को बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि अरब्स को ये बात लगी, उन मुसलमान देशों को ये बात लगी कि यदि अमेरिका को अगर हम बोलें कि बहुत सारा पैसा दे दो अगर तेल खरीदना है, तो अमेरिका दे ही नहीं पाएगा।
वो ज्यादा पैसा क्यों पे करेगा, तेल तो तेल है, सेम तेल का कोई ज्यादा पैसा थोड़ी देगा। उनको लगा कि ये तो वैसे ही अमेरिका हार मान के निकल लेगा। तो जब वो एक आदमी निकला उस मीटिंग में से, ऊंट के ऊपर बैठा हुआ खजूर खाता हुआ, उसने जाके अमेरिका को बोला कि सुनो बहुत पैसा लगेगा भाई, तुम नहीं दे पाओगे। तो अमेरिका ने बोला कि यार सुनो, तुम ये बताओ कि कितना पैसा दोगे, कितना पैसा चाहिए तुमको, बोलो। अब वो ऊंट घुमा के अंदर आया मीटिंग में, बोला कि यार अमेरिका तो बोल रहा है यार कितना पैसा चाहिए, अब ये तो हम सोचे ही नहीं थे। फिर बैठ गए ये लोग खजूर खाने, फिर सोचे कि यार अभी क्या दाम, क्या रेट चल रहा है। तो उस समय 1973 में एक बैरल का दाम था $2, एक बैरल ऑयल का। अब ये लोग सोचे कि कुछ ऐसा फिगर कोट कर दो कि ये अमेरिका को लगे कि यार इतना तो पैसा दे ही नहीं पाएंगे, अपने आप भग लेगा। फिर एक आदमी निकला ऊंट से, खजूर खाता हुआ अमेरिका के पास गया, बोला लो खजूर खाओ और सुनो, अब तुम्हें तेल चाहिए ना, तो जो एक बैरल $2 का था, अब वो एक बैरल $24 का है। कहां $2, कहां $24, सेम तेल है, झांसा था फसाना था। अमेरिका 2 मिनट सोचा, $24, अमेरिका बोला ठीक है हम देंगे। फिर घबरा गए, ऊंट घुमाया अंदर आ गया, वो बोला अमेरिका मान गया, अंदर खलबली मच गई, यार ये कैसे मान गया, अब हम क्या करें, ये तो फंस गए, अब तो बेचना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, अपना मुंह मंगा रकम मिल रहा है। तो 1973 में डिस्कशन के बाद ऑयल एम्बार्गो हटाया गया, अमेरिका ने तेल खरीदना 1974 जनवरी से दोबारा चालू किया। लेकिन अमेरिका को अब एक चीज समझ आ गई कि भैया ये मसले को अगर सॉल्व नहीं किया तो कल को ये मुसलमान देश हमारे को रैनसम पे ले आएंगे कभी भी दोबारा। तो अमेरिका ने सोचा कि अब इस मसले का हल कैसे किया जाए। इस मसले का हल करने के लिए अमेरिका ने आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि मिडल ईस्ट में जो देश इसराइल के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं उनमें से सबसे कमजोर देश इस समय कौन सा है, जिसकी आर्थिक परिस्थिति बड़ी खराब है। तो 1976 में उन्होंने एक देश को आइडेंटिफाई किया 1976 में, और उस देश का नाम था इजिप्ट। इजिप्ट में पहले नासिर रूलर था, मैंने आपको बताया था, अब नासिर मर चुका था, और अभी जो रूलर था 1976 में उस समय इजिप्ट का, वो था सादत अनवर, वो था वहां पे रूलर। इजिप्ट की हालत कुछ ऐसी थी 1976 में कि उन्होंने इतना पैसा लगाया था पीएलओ के ऊपर और इधर उधर इसराइल के ऊपर अनशन लड़ाइयां लड़ने में कि उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, और अगर तुरंत इसराइल के साथ वो लड़ाई ना छोड़ता और लड़ाई लड़ता रहता तो इजिप्ट की इकोनॉमी और 4 से 5 सालों में कोलैप्स करके खत्म हो जाती। अमेरिका ने ये नब्ज को पकड़ लिया। अमेरिका ने सादत अनवर को बोला कि सुनो, इसराइल से लड़ाई करना बंद करो, उसको एक्सेप्ट कर लो, हम तुम्हें इकोनॉमिक एड देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी को रिवाइव करने में तुम्हारी मदद भी करेंगे, तुम्हें अपना एलाई भी बना लेंगे, तुम्हें दूसरों से बचा भी लेंगे, लेकिन तुम्हें लड़ाई छोड़नी होगी, इसराइल के साथ लड़ाई बंद करो, पैसा ले लो, विकास कार्य करो। सादत अनवर को बोला कि यार सुनो, अगर तुम पैसा लेके विकास करोगे लोग तुम्हारे को बहुत दुआ देंगे और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे तुम ही रूलर रहोगे और हम इंश्योर करेंगे कि तुम ही रूलर रहो। सादत अनवर को लगा कि यार बात तो सही है, दो ही ऑप्शन है, या तो और 3-4 साल जो बचा कुचा पैसा है वो इसराइल पे लड़ा के, लड़ाई वड़ाई करके अपनी इकोनॉमी को कोलैप्स करके अपने ही लोगों के हाथ पिट जाऊं, और या फिर अमेरिका का सपोर्ट लेके इसराइल को एक्सेप्ट कर लूं, बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, उस पैसे से लोगों का विकास करूं, लोगों का विकास करूंगा तो मन भी उनका डाइवर्ट हो जाएगा इसराइल से, और जैसे ही मन डाइवर्ट होगा तो मेरा पोजीशन परमानेंटली स्ट्रांग हो जाएगा। तो इजिप्ट बोला ठीक है, अगर आप गारंटी देते हो कि हम पैसा वैसा देंगे तो हम आ रहे हैं।
तो सादत अनवर गया अमेरिका, मैरीलैंड यूएस, मैरीलैंड में अमेरिका में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का एक प्रेसिडेंशियल रिट्रीट है, आप कह लीजिए कि एक प्रकार का रिजॉर्ट है, वो वहाँ पर अपने गेस्ट्स को बुलाता है, उस जगह का नाम है कैंप डेविड मैरीलैंड में अमेरिका में। सादत अनवर को बुलाए, इसराइल को बुलाए, दोनों को बिठाए, बातचीत कराए, पीस ट्रीटी साइन हो गया। 1978 में इसराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी साइन हुई। इस इसराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी के तहत इजिप्ट ने इसराइल के साथ लड़ाई छोड़ दी, इजिप्ट को इन रिटर्न बहुत सारा पैसा, इकोनॉमिक एड मिला, उसने अपना पल्ला झाड़ लिया, उसने कहा अब हम पीएलओ का साथ नहीं देंगे, हम किसी भी संगठन का साथ नहीं देंगे जो बेसिकली इसराइल के खिलाफ लड़ाई कर रही है। अब ये चीज तो पीएलओ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। 1978 में जब इसराइली जब पीस ट्रीटी हुई, उस समय पीएलओ को लगने लगा कि यार ये तो अमेरिका का गंदा खेल है, आज अमेरिका ने इजिप्ट को हमारे यहाँ से हटाया है, कल ये पैसा दे के सीरिया को ले लेगी, लेबनान को ले लेगी, जॉर्डन को ले लेगी, इराक को ले लेगी, ऐसे करते करते तो हम भूखे नंगे हो जाएंगे, हमारे को कौन सपोर्ट करेगा। तो 1979 से लेके 1980 के दशक में जो पीएलओ है, यासिर अराफात जो है, ये बेसिकली बहुत वायलेंट होने लग गया इसराइल के खिलाफ। इसने इनफैक्ट सादत अनवर के ऊपर, पीएलओ के लोगों ने सादत अनवर के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी किए, पर सादत अनवर को कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि एक पॉइंट पे तो सादत अनवर को सीआईए ने प्रोटेक्शन भी देना शुरू कर दिया था। लेकिन पीएलओ बहुत ज्यादा वायलेंट होने लग गया, बौखला गया था, क्योंकि भैया वो अभी तक निर्णय उसका ये था कि भाई हम तो दूसरे कंट्रियों के ही सपोर्ट के ऊपर बेसिकली डिपेंडेंट है। अच्छा, जैसे जैसे पीएलओ 1980s में वायलेंट होता गया, इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ता गया, इसराइल के लिए हेडेक उतना बढ़ता गया पीएलओ को लेके। अब इस पीएलओ के वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए इसराइल ने जो गाजा पट्टी को ऑक्यूपाई करके रखा था, और जहां पर उसने एक शेख यासिन के साथ एक संगठन बनाया हुआ था जिसका नाम उसने रखा था मुजवामा अल इस्लामिया, इसने क्या करा इसराइल ने कि इसराइल की मोसाद ने मुजवामा अल इस्लामिया को आर्म्स एमुनिशन देने चालू कर दिए। 1980s के डेकेड में जब मोसाद ने मुजवामा अल इस्लामिया को वेपन्स दिए, उस दौरान जब पीएलओ दूसरे देशों से पैसा लेके इसराइल के ऊपर दिन पर दिन आक्रमण करता था, तो एक पॉइंट ऐसा आया 1987 में कि मुजवामा अल इस्लामिया के साथ इसराइल ने एक सेटिंग करी, और सेटिंग में मोसाद ने क्या बोला मुजवामा अल इस्लामिया को कि सुनो, आप ही के गाजा पट्टी के इलाके में पीएलओ के लोग भी रहते हैं, ये लोग बेसिकली हमारे ऊपर आक्रमण करे जा रहे हैं, हमें इनको कुछ ना कुछ करके रोकना है, तो आप एक काम करो, आप ये वेपन्स लेके हमारे ऊपर एक बार अटैक करो, छोटा सा अटैक करो, एक दो आदमी मार दो, उसका रिटेलिएशन में हम पीएलओ के ऊपर एक टोटल असॉल्ट लॉन्च कर देंगे। 1987 में इस प्लानिंग के बेसिस पे मुजवामा अल इस्लामिया ने इजरायली डिफेंस फोर्स के दो सोल्जर्स को मार गिराया। इन दो सोल्जर्स के रिवेंज को लेने के लिए इजरायल ने एक फुल फ्लेज्ड असॉल्ट लॉन्च किया पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और यासिर अराफात जैसे लोगों के और उसके साथियों के ऊपर, और ये ऑपरेशन चलाया गया इसराइल की तरफ से गाजा स्ट्रिप में भी, वेस्ट बैंक में भी, हर एक वो जगह पर जहां पर पीएलओ बेसिकली छिप छिप के इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जितने जो पैलेस्टीन अरब्स जो थे, जो बिना देश के अभी तक रह रहे थे, जब उन्होंने देखा कि इसराइल ने पीएलओ के ऊपर एक आक्रमण लॉन्च कर दिया है, तो ये सारे पैलेस्टीन अरब्स भी जो थे, मुसलमान जो लोग थे उस समय पैलेस्टीनियन लोग, इन्होंने भी बेसिकली पीएलओ का साथ दिया और इसराइल के खिलाफ ये लड़ना शुरू कर बैठे। इसी रीजन से 1987 में इस लड़ाई को फर्स्ट इंतिफादा बोला जाता है। इंतिफादा एक अरेबिक शब्द है, इंतिफादा का मतलब होता है अपराइजिंग, इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट अपराइजिंग। तो आप समझिए, फर्स्ट अपराइजिंग का स्पार्क मुजवामा अल इस्लामिया, उसके थ्रू एक कोऑर्डिनेटेड
असॉल्ट ऑन इसराइल। उस असॉल्ट के बाद इसराइल ने पीएलओ के सेल्स को पकड़ के फोड़ना तोड़ना चालू करा, और इस साथ इस पूरे ऑपरेशन में इसराइल के ये मोसाद के साथ मुजवामल इस्लामिया भी जुड़ गया। उसने भी पीएलओ को मारना शुरू करा, पीएलओ के वेपन्स छीनने चालू कर दिए, वो वेपन्स जो अरब देश पीएलओ को देते थे। 1987 में जब फर्स्ट इंतिफादा ख़त्म हुआ, वो ख़त्म तब हुआ जब इसराइल ने बहुत कैजुअल्टी इन्फ्लिक्ट करी पीएलओ के ऊपर, और पीएलओ एकदम भोखला के ख़त्म ही होने वाला था। तब जब फर्स्ट इंतिफादा ख़त्म हुआ, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मुजवामल इस्लामिया जो है, इसने पीएलओ के बहुत सारे वेपन्स ऑक्यूपाई कर लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। इसने साथ ही में इसराइल से भी वेपन्स बहुत सारे लिए हुए थे मोसाद से, तो इनके पास नंबर ऑफ वेपन्स बहुत बढ़ गए। तो 1987 में जब फर्स्ट इंतिफादा ख़त्म हुआ, तो मुजवामा अल इस्लामिया ने उस समय अपना नाम बदल लिया, और फर्स्ट इंतिफादा के बाद उसने अपना एक नाम रखा जिसका नाम था हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया, इन शॉर्ट हमास। तो हमास और कुछ नहीं है, वो है हरकत अल मुकवामा अल इस्लामिया। हमास और कुछ नहीं है, वो है मुजवामा अल इस्लामिया। हमास और कुछ नहीं है, एक संगठन है जिसको मोसाद ने ही क्रिएट किया था पीएलओ को वीकन करने के लिए। उसने हमास को आर्म्स एमुनिशन भी दिए, उसको आर्मामेंट भी दिया, और हमास ने पीएलओ के वेपन्स को भी लूट लिया। और उसके बाद 1987 में हमास जो है मिलिट्रली बहुत पावरफुल हो गया, लेकिन काम इसराइल के लिए करता था। इसीलिए ये कहना गलत नहीं है कि अलकायदा का क्रिएशन अगर अमेरिका ने किया था अपने स्वार्थ के लिए कि उससे वो सोवियत यूनियन का खात्मा कर पाएगी, तो अब आप समझ रहे हैं कि हमास का क्रिएशन भी इसराइल ने खुद ही किया था इस पर्पज के लिए कि वो इस हमास का प्रयोग करके पीएलओ को निपटा पाएगी। और जो अमेरिका के साथ अलकायदा ने किया, आज इसराइल के ऊपर हमास ने भी वही किया। इसीलिए कहते हैं कि यू कैन नॉट कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड एंड एक्सपेक्ट दैट द स्नेक्स विल नॉट बाइट यू। सांप सांप होता है, सांप कभी पालतू नहीं हो सकता। सांप पालोगे वो काटेगा। अमेरिका को भी सांप ने काटा था, वो था अलकायदा। इसराइल को भी सांप काट रहा है, वो है हमास। खैर, पर स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हमास 1987 में बना, 1989 में शीत युद्ध ख़त्म हुआ। 1990 में शीत युद्ध ख़त्म होने के बाद अमेरिका जो एक सोल सुपर पावर बन गया, तो वो सोल सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका ने बोला इसराइल को कि सुनो, फर्स्ट इंतिफादा के बाद तुमने पीएलओ को तो लिटरली तोड़ फोड़ दिया है, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, उससे बातचीत कर लो अगर हो पाए तो। तो इसराइल ने बोला कि अमेरिका, यासिर अराफात से पहले तुम बात करो। अमेरिका ने यासिर अराफात को फ़ोन लगाया। यासिर अराफात को बोले कि भैया, तुम इतने सालों से लड़ रहे हो, तुमने क्या अचीव किया, आओ आके इसराइल से बात करो, मान लो कुछ नहीं होगा, मसले का हल निकालो। 1993 में इसराइल और यासिर अराफात की संगठन पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात को नॉर्वे में ओस्लो में कराया गया। मीटिंग के दौरान यासिर अराफात ने एक सिंपल सी चीज बोली, उसने कहा कि मैं इसराइल से लड़ाई करना बंद कर सकता हूं, पर एक ही कंडीशन है, और कंडीशन ये है कि इसराइल ने जो गाजा पट्टी को, इसराइल ने जो वेस्ट बैंक के इलाके को ऑक्यूपाई कर रखा है, पहले तो वो वापस दे, और सबसे महत्वपूर्ण कि अमेरिका, जिसने मदद की थी यहूदी लोगों की 1948 में इसराइल बनाने के लिए, यही अमेरिका अब हमारी मदद करे, मेरी मदद करे, यासिर अराफात की मदद करे
और अरब पैलेस्टीन का स्टेट बनाए। जो स्टेट इनको 1947 नवंबर में मिला था, 1993 के दिसंबर में ओस्लो अकॉर्ड के दौरान यासिर अराफात ने फाइनली आके बोला कि मुझे वो स्टेट अरब पैलेस्टीन का बनवा के मुझे वहां का राष्ट्रपति बनाया जाए। तो अमेरिका ने बोला कि ठीक है भैया, हम कर देंगे, लेकिन तुम लड़ाई छोड़ दो। इसराइल को भी बोला कि यार तुम ये जो गाजा पट्टी का इलाका है और साथ में वेस्ट बैंक वाला इलाका है, इन सबको छोड़ दो, दे दो वापस यार, मतलब क्या करोगे इलीगली ऑक्यूपाई करके। तो इसराइल को भी समझाया। 1993 में एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसको कहते हैं ओस्लो अकॉर्ड। इस ओस्लो अकॉर्ड में एक निर्णय लिया गया कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई नहीं करेगी, इसका नाम बदला जाएगा। पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नया नाम होगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, क्योंकि अभी इसराइल से लड़ाई नहीं करनी है तो लिबरेशन वर्ड का कोई यूज करना, तो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और जो फाता फिलिस्तीनी अल वतनिया तहरीर हरकत, जो एक मिलिट्री यूनिट था जो अभी तक इसराइल से लड़ता था, जिसका हेड यासिर अराफात था, फाता बनी एक पॉलिटिकल पार्टी। फाता बनी एक पॉलिटिकल पार्टी और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी एक डिप्लोमेटिक अथॉरिटी, डिप्लोमेटिक बॉडी। ओस्लो अकॉर्ड में सबसे पहली चीज क्या हुई, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदल के पैलेस्टीनियन अथॉरिटी रखा गया, जो कि एक डिप्लोमेटिक बॉडी होगी। फाता जो अभी तक एक मिलिट्री यूनिट था जो लड़ाई करता था इसराइल के साथ, वो अब एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगा। और तीसरी चीज ये हुई कि इसराइल को बोला गया कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक को आप अगले 5 साल के अंदर अंदर लिबरेट करके अपना वहां से टोटल कंट्रोल हटा के यासिर अराफात की पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देंगे, और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी गाजा पट्टी में वेस्ट बैंक में इलेक्शन लड़ेगी और इस इलेक्शन के बाद इस इलाके को रूल करेगी। इसराइल ने ओस्लो अकॉर्ड साइन तो कर लिया, लेकिन इसराइल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि ये टेरिटरी जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के हाथ या फाता और यासिर अराफात के हाथ चली जाएगी। और 1998 में जब ये टेरिटरी इनको देंगे तो फाता जो पॉलिटिकल पार्टी बनी है यासिर अराफात की, वो इस इलाके को कंट्रोल करेगी। 1993 से लेकर 1998 के बीच में दो चीजें हुई। पहली चीज, मोसाद हमास को सपोर्ट करता रहा, उसको बोलता रहा कि भैया सुनो, तुम्हें इलेक्शन की तैयारी करनी है, हम पैसा देंगे, मुजवामा अल इस्लामिया में हमने तुम्हें बहुत सपोर्ट किया था, अब तुम पैसा लेके जो है इलेक्शन लड़ना और यासिर अराफात की पार्टी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एंड फाता को हरा देना। उधर CIA लगा हुआ था यासिर अराफात के साथ, बिना ये जाने कि मोसाद क्या खेल खेल रहा है, और CIA लगा हुआ था यासिर अराफात को बोलने में कि भैया सुनो, तुम घबराओ मत, पूरे वर्ल्ड में हम लोग तो इधर उधर के राष्ट्रपतियों को तो ऐसे ही खड़ा करके खरीद लेते हैं, तुम तो बहुत छोटी चीज हो, तुमको तो हम पक्का बना देंगे, तुम निश्चिंत रहो, टेंशन मत लो, हम हैं तुम्हारे साथ। 1998 हुआ, ओस्लो अकॉर्ड के तहत इसराइल को टेरिटरी छोड़ना था। 1998 में इसराइल ने टेरिटरी छोड़ने से मना कर दिया। यासिर अराफात बोला, यार ये तो चीटिंग है, मेरे सारे वेपन तुमने ले लिए, मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना दिया, और अब तुम बोल रहे हो कि भैया हम टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे। यासिर अराफात ने अमेरिका को कंप्लेन किया, अमेरिका को बोला, बोलो इसको तुम, यार तुमने ही साइन कराया था ओस्लो अकॉर्ड। इसराइल को बोला अमेरिका ने, छोड़ो टेरिटरी। इसराइल बोला, अभी नहीं छोड़ेंगे हम। 1998 से 1999 हो गया। जब 1999 हुआ, उस टाइम पे भी अमेरिका ने फिर से इसराइल को याद दिलाया, यार एक साल हो गया, तुम्हारा कमिटमेंट है भैया टेरिटरी छोड़ने का, टेरिटरी कहीं नहीं छोड़ रहे हो। यासिर अराफात वहां पर दिन इंपेशेंट हो रहा था। लोग जो यासिर अराफात का सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो दगाबाज निकला, चोर निकला, ये तो टेरिटरी भी नहीं वापस ले पा रहा है, इसने तो हमें बिट्रे किया है। लोगों का हमास के प्रति और सेंटीमेंट पॉजिटिव होने लगा, इसराइल यही चाहता था।
ईयर 2000 में जेरूसलम के अंदर एक मॉस्क है जिसका नाम है अलक्सा मॉस्क। इस्लाम की थर्ड होलीएस्ट साइट है मक्का और मदीना के बाद। मक्का मदीना सऊदी अरेबिया में है, अलक्सा जेरूसलम में है। अलक्सा मस्जिद के बाहर उस समय के इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन वहां गए। उस अलक्सा मॉस्क के बाहर खड़े होकर उन्होंने बहुत ही कम्युनल स्पीचेस दी। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी फाता के जो फॉलोअर्स थे इन कम्युनल स्पीचेस से बहुत ज्यादा प्रोवोक हो गए, और इस प्रोवोकेशन के बाद, इस कम्युनल स्पीचेस के बाद बहुत सारा वायलेंस हुआ। कई किताबों में इस इंसिडेंट को अलक्सा इंतिफादा भी बोला जाता है, लेकिन कई किताबों में और कई विशेषज्ञ इसको सेकेंड इंतिफादा भी बोलते हैं। पहला 1987 में हुआ था, दूसरा 2000 में हुआ, सेकेंड इंतिफादा हुआ। ये जो सेकेंड इंतिफादा हुआ इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हुई, और वो ये थी कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी यासिर अराफात के लोगों ने बहुत रिवोल्ट किया। यूएसए ने मीटिंग बुलाई, अल्टीमेटम दिया कि अगले 5 साल के अंदर अंदर अगर आपने टेरिटरी इजराइल नहीं छोड़ी तो मजबूरन हमें छीन के इन लोग को देनी पड़ेगी। 2005 हुआ, 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी भी छोड़ दी, वेस्ट बैंक भी छोड़ दिया। इसराइल की मोसाद जो है हमास को सपोर्ट करती रही, उधर CIA यासिर अराफात को सपोर्ट कर रहा था, फाता को सपोर्ट कर रहा था। 2005 में चुनाव होने थे, लेकिन 2004 में चुनाव से एक साल पहले यासिर अराफात की मौत हो गई थी, और उसके बाद फाता का जो नया लीडर था वो मोहम्मद अब्बास था जो आज भी लीडर है। 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों को छोड़ा। जैसे ही उसने छोड़ा उसके बाद एक चीज तय हो गई कि एक जगह मोसाद थी जो हमास को बैक कर रही थी, दूसरी जगह पर CIA थी जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, फाता को, मोहम्मद अब्बास को बैक कर रही थी। चुनाव हुए, और सरप्राइजिंग बात है कि इस चुनावों में पूरा विश्व स्तर पर एक एक्सपेक्टेशन था कि मोहम्मद अब्बास जीतेगा। चुनाव हुए, नतीजे आए, हमास इलेक्शन जीती है। जब हमास इलेक्शन जीता, फाता ने इलेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जब फाता ने इलेक्शन को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो उस समय एक चीज तय हो गई कि उस इलेक्शन को जब उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो दोनों हमास और फाता के बीच में एक लड़ाई चालू हो गई। 2006 में सऊदी अरेबिया ने हमास और फाता को दोनों को बुलाया, बुला के बोला कि देखो भाई, लड़ाई करने से क्या मिलेगा, एक दूसरे से दोस्ती करो, बातचीत करो। 2006 में हमास और फाता वापस गए, उन्होंने एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाया। सऊदी अरेबिया ने बोला, यार जीवन में पहली बार अरब पैलेस्टीन का इलाका बन रहा है, मौका मिल रहा है, तुम उसको करने के बजाय जो है आपस में लड़ रहे हो, और इसको करने के लिए क्या हुआ। जब ये हुई चीज तो एक चीज और तय हो गई कि सऊदी अरेबिया के इंटरफेरेंस के बाद हमास और फाता वापस तो आए, वापस आके उन्होंने जो है बेसिकली नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट भी बनाई। लेकिन जब ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई, इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमास और फाता के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि हमास उस समय तक 2 फैक्शंस में बट चुकी थी। एक फैक्शन था जिसमें हमास ये बात बोलती थी कि भाई हम इसराइल के साथ लड़ेंगे, जो इसराइल कहेगा वही करेंगे। लेकिन एक फैक्शन था जो बोलता था कि नहीं, इसराइल सिर्फ हमारा दुरुपयोग कर रही है, हमें नेतागिरी में जाना चाहिए, हमें तो फाता के साथ जुड़ना चाहिए। इस केस में 2006 के बाद, क्योंकि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट टूट गई, इस गवर्नमेंट के टूटने के बाद ये हुआ कि बेसिकली हमास ने गाजा पट्टी पे ऑक्यूपेशन कर लिया और पूरे इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया, और साथ ही में
वेस्ट बैंक के इलाके के ऊपर फतह का कंट्रोल आ गया। अब दिक्कत ये थी कि हमास क्योंकि दो वर्ग में बट चुका था, एक वर्ग चाहता था कि भाई हमें चुनाव लड़ना चाहिए, अरब पैलेस्टीन बनाना चाहिए, लेकिन एक वर्ग चाहता था कि नहीं, हमें इसराइल के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए क्योंकि इसराइल हमारा दुरुपयोग कर रहा है। तो इस वर्ग को, जो दूसरा वाला था, जो लड़ाई करना चाहता था, इसको सऊदी अरेबिया और ईरान जो है फंडिंग देना शुरू कर बैठे। इसराइल ने इसको टैकल करने के लिए सबसे पहला तरीका तो ये निकाला कि वो हमास का वर्ग जो उसके साथ लड़ रहा था, पहली बात तो आज की डेट में इसराइल ने ये देखा कि अगर सऊदी अरेबिया इसको सपोर्ट कर रहा है तो हम सऊदी अरेबिया का गेम न्यूट्रलाइज करते हैं। पिछले लगभग 6 से 8 महीने में सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में रिश्ते बहुत इंप्रूव हुए हैं। इन रिश्तों के इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा कारण ये है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से जो हमास के उस वर्ग को सपोर्ट मिल रहा था वो वर्ग न्यूट्रलाइज हो गया। आज की डेट में हमास के अंदर दो वर्ग फिर से हैं। एक वर्ग तो है जो चाहता है कि अरब पैलेस्टीन बने, उसके बारे में चर्चा नहीं है, लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी वायलेंट है, और ये वायलेंट वर्ग जो है ये इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और ये जो इसराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है ये वो वर्ग है जिसको आज की डेट में ईरान सपोर्ट करता है। तो आज जो ये हमला हुआ इसराइल के ऊपर, ये हमला, ये कहने के बारे में अब आप गेम को समझेंगे कि इसके पीछे ईरान का एक काफ़ी बड़ा हाथ है। ईरान ने इन फाइटर्स का प्रेज भी किया है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि नंबर वन, हमास को बनाने वाली भी इसराइल थी, हमास का दुरुपयोग करने वाली भी इसराइल थी। हमास दो वर्गों में बट चुका है। आज की डेट में ये कहना कि पूरा हमास इसराइल के खिलाफ है वो गलत है। हाँ, हमास का एक वर्ग ज़रूर है जो इसराइल के खिलाफ अभी भी लड़ रहा है, लेकिन एक वर्ग और भी था जो सऊदी अरेबिया के साथ था, जो सऊदी अरेबिया की फंडिंग लेके इसराइल के खिलाफ लड़ता था, वो न्यूट्रलाइज हो गया क्योंकि इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में अब दोस्ती हो गई है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में अभी दोस्ती कराई है पिछले चंद महीने पहले, और चाइना और ईरान एक दूसरे के दोस्त हैं, और चाइना और इसराइल भी क्योंकि एक दूसरे के दोस्त हैं, तो प्रोबेबिलिटी आने वाले समय में इस चीज की भी हो सकती है कि ऐसा ना हो कि भाई चाइना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करे और ईरान सऊदी अरेबिया को साथ में लाने के बाद ईरान इसराइल के बीच में भी एक गेम प्लान को पॉजिटिव नजरिए से लेके आए। इसके पीछे का सारा रीज़न ये है कि आज की डेट में अमेरिका जो है उसका क्योंकि इन्फ्लुएंस पूरे मिडिल ईस्ट में घट रहा है, इस इन्फ्लुएंस को घटाने के बाद अगर वो इन्फ्लुएंस को कोई टेक ओवर कर रहा है तो वो चाइना है। अच्छा, अमेरिका ने हमेशा ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल इन तीनों को इक्विडिस्टेंट रखा था, एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते थे। चाइना ये चीज़ समझ चुका है कि ईरान जो बेसिकली शिया मुस्लिम्स हैं, सऊदी अरेबिया जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं, और इसराइल जो यहूदी हैं, इन तीनों को आपस में लड़वाना नहीं है। और ये तीनों भी आज की डेट में इस चीज़ को रियलाइज कर बैठे हैं कि हमारे को अमेरिका सिर्फ डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहा था। तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आज के अटैक के पीछे ईरान का हाथ हो सकता है, आने वाले समय में इसके बारे में क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि ये वही वर्ग है अभी तक हमास का जो ईरान से पैसा ले रहा था। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हमास का ये वर्ग जिसने आज इसराइल के ऊपर अटैक किया है, ये वर्ग CIA से फंडेड हो, क्योंकि CIA और अमेरिका को ये चीज़ दिख रही है कि ईरान, सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, वो ये चीज़ देख रही है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, और ये चीज़ देख रही है कि इन दोनों को लाने वाला पावर ईरान को और सऊदी अरेबिया को, ईरान और बेसिकली सऊदी अरेबिया के साथ साथ इसराइल सऊदी अरेबिया को एक दूसरे के साथ लाने वाला चाइना है। तो कहीं आने वाले समय में चाइना ईरान, सऊदी अरेबिया, इसराइल को अगर एकजुट कर लिया तो मेरा पूरा का पूरा गेम प्लान खराब हो जाएगा। तो देर कैन बी अ प्रोबेबिलिटी कि आज के इस अटैक के पीछे अमेरिका का भी हाथ हो सकता है। ये तो आने वाले समय में क्लियर होगा कि एक्चुअल रीजन क्या था, लेकिन ये बात तय है। फिर मैं आखिर में यही बात बोलूंगा कि पूरा हमास आज की डेट में इसराइल के खिलाफ नहीं, एक वर्ग है जो पहले सऊदी से सपोर्ट लेता था वो अब नहीं लेता,
ईरान से सपोर्ट लेता था, देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर चाइना का रोक लगाने के लिए मिडिल ईस्ट में कि चाइना हमारी स्पेस को कैप्चर ना कर ले, हो सकता है कि ये लड़ाई अमेरिका ने भी छिड़वाई हो, जिसकी वजह से इसराइल और ईरान के रिश्ते और ख़राब हों और एज अ रिजल्ट ऑफ विच इसराइल और हमास का रिश्ते और ख़राब हों। तो आई होप इस डिटेल्ड वीडियो के बाद आपको इस पूरे इशू की क्लैरिटी अच्छे से मिल गई होगी। धन्यवाद।